धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, कृपया इसका सेवन ना करें। धन्यवाद। नमस्ते बाबूजी। हे राम। पेट का राजा मैं हूँ, सायदा पेट का राजा।
ओए राम दुलारी, तेरी आंखों की कटारी देख देख तुझे लुट गया छोरा रे, मिलने कभी तो दीवानों को ना यूं तरसा, समझ जा इधर आ सुंदरा सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल चल चल, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल, ओ गोरी साहिदा पेट का राजा, मैं हूँ साहिदा पेट का राजा, साहिदा पेट का राजा, मैं हूँ साहिदा पेट का राजा, करेंगे ऐसा कमाल हो जाएगी बेहाल, संभल जा इधर आ सुंदरा सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल, सैर करा तू तुझे चल, प्यार की सैर करा तू तुझे चल। इस तरह गाड़ी क्यों रोकी? अगर ब्रेक पकड़ता तो मैं क्यों ऐसे आकर रोकता? छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अच्छा किधर है तुम्हारा साइड है सत्या? ऊपर सो रहे हैं भैया। कौन सा दिन वो सवेरे सवेरे जोश से उठा है? जिंदगी में एक चीज कभी नहीं देखी है तो वो क्या है? सूर्य उदय। वहाँ कहाँ जा रहे भैया? मुझे अर्जेंट में 2,000 रुपयों की जरूरत है, सत्या से मांगने के लिए जा रहा हूँ। तेरे पास 4,000 रुपए पड़े हैं? नहीं भैया, अभी 9:30 बज रहे हैं, 11 से पहले भैया को उठाओ उनको गुस्सा आएगा। तुमको सुबह के 11 बजने चाहिए ना, अभी देख। क्या भैया 11:30 बज रहे हैं? रिपेयर है? रिपेयर नहीं हूँ, रिपेयर्ड हूँ मैं, कभी भी हमेशा जल्दी ही आ जाता हूँ, अभी देख। सत्या सत्या, ए सत्या, अरे 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 इधर देख, एक गोदरेज अलमारी पलटी हो गई है, इसको उठाना वैसे ही होगा जैसे किसी भीड़ को हटाना। सत्या उठ, सुबह के 11:30 बज चुके, और कितना देर सोएगा, जल्दी उठ के दांत साफ कर, जल्दी 11:30 देख घड़ी में। ठीक है तुम ड्यूटी पे नहीं गए, इधर आए हो? वो कुछ नहीं सत्या, पिछले सप्ताह बर्थडे पार्टी यहाँ पर मनाए थे ना, उसमें तुमने भी 17 बियर पी थी, उसमें थोड़ा एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया था, फाइनेंस थोड़ा टाइट हो गया। तुम तो दुनिया साफ कर लेते हो ना। मैं ले सकता हूँ, मैंने सोचा हेलमेट का मैटर भी करेक्ट कर दूँ, पब्लिक भी कानून मानने लगी है, क्या कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। 2,000 रुपया जस्ट 2,000 दे दो, वापस दूंगा। कब दोगे? किसको मालूम, हो सकता है वापस भी ना करूं। तो अरे पकिया, इतनी सुबह पकिया को क्यों बुला रहे हो? पैसे उसी के पास है मेरे भाई। क्या पैसे उसके पास है? अरे पकिया साला कहाँ है तू, जल्दी ऊपर आ, उसको भैया बुला रहे हैं। अच्छा पैसे तेरे पास है ना? ये लो, अल्लाह दे 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 दे, लो भाई इसी में है, ओनली 2,000, बाकी तुम रख लो। ए दूर रह, ऑयल लग रहा है, इडियट कहीं का। ले पकड़। क्यों रे, 641 का आदमी आ गया क्या? वो तो 11 बजे आने वाले थे, अभी तो सिर्फ 9:30 बजे। अरे छोड़ दो भाई, मत मारो मुझे, मेरे वॉच को रिपेयर करना है, छोड़ दो। डैडी, मम्मी, अरे बाप रे, बैंड बजा दिया, इतना मारने के बाद एक छोटे बच्चे जैसा सो रहा है, अब तुमको शांति हो गई ना? हाँ भैया। भाग साले, अरे बाप रे। छोटे बड़े माँ बाप सभी लोग, हमारे बड़े भाई पीपिया जी बड़पल्ली में स्थित गांधी के मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। चे, 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 तू क्या बोल रहा है बे? जी हाँ सर, उद्घाटन के समय वो लोग काला झंडा दिखाकर आपका विरोध करने वाले। अबे वो मेरी फैक्ट्री है, मैं जब चाहूँ उसे खोलूंगा, जब चाहूँ बंद रखूँ, ये मेरी मर्जी है। उसके लिए मैंने गांधी की मूर्ति बनाने में 10 लाख खर्चा किया, और जब काला झंडा दिखाने आएंगे। अगर आज आप मंत्री होते तो क्या कोई काले या लाल झंडे से विरोध कर सकता था? ये सब मेरा नसीब है, कल के आए हुए राजनेताओं की बीवियां कार में हॉर्न लगाकर घूम रही हैं। अरे पागल औरत, वो हॉर्न नहीं सायरन। हाँ हाँ ये सब ठीक है, जीतने वाली पार्टी ज्वाइन करने के लिए तो आपके पास दिमाग ही नहीं है। बात मुझे क्या करने के लिए बोल रही है, ये पार्टी जीतेगी वो पार्टी जीतेगी ये बोलकर सभी पार्टी वाले मुझे सलाह दे रहे थे, उनकी बात पे मैंने पार्टी बदली किया, मैं तो मदारी का बंदर बन के बेकार हो गया। मैंने जो भी पार्टी ज्वाइन की वो कभी नहीं जीती, आज एक पॉलिटिशियन अनाथ बन गया है। पहले जैसा इमेज बनाने के लिए गांधी की मूर्ति का उद्घाटन करने जा रहा था, उसमें भी लोग रुकावट डाल रहे हैं। मालिक ये सच है कि मैं समंदर के नमकीन पानी में धंधा करता हूँ, लेकिन मैं नमक आपका ही खाता हूँ, बस इतनी सी बात। कल उद्घाटन के समय कोई समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए ना, आपने ये मैटर मुझे बता दिया, आप बिल्कुल फिक्र मत करो,
कल आप ही देख लेना। उद्घाटन मत करो, उद्घाटन मत करो, उद्घाटन मत करो, गांधी की मूर्ति का उद्घाटन मत करो। गांधी क्या है भाई? काला झंडा, इतना बड़ा झंडा किसी की धोती का झंडा बनाया है? बुड्ढे, तू बड़े होके छोटे झंडे पकड़ते हो और मैं छोटा होके बड़ा झंडा पकड़ता हूँ। समझ में नहीं आया। अरे तुम बुड्ढे होके छोटा झंडा पकड़ो। भैया राम स्वामी जिंदाबाद, भैया राम स्वामी जिंदाबाद। कौन मैं? नहीं नहीं, मैं इन लोगों के लिए अपनी जान, संपत्ति और आत्मा सब दे दूंगा। गलत काम के लिए शेर की औलाद कभी भी सिर नहीं झुकाएगा। वो सब रहने दो, ये लो पकड़ो, कल का 50 एडवांस था ये रखो बैलेंस, बाकी का 10 रात को लेना। भैया पैसे सब सही पहुंच गए ना? खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। पत्थर फेंकने के लिए 500 और उस बीबीआर के सिर फोड़ने के लिए 5000। क्या बोल रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों राम स्वामी समझा के नहीं लाए थे क्या? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझ में आ गया भाई, पैसा लिया ना? किसने दिया? मैंने लिया। तेरी इतनी हिम्मत, हम सबको तुमने बेच डाला, भरोसे की द्रोही। तू देख के हाथ उठा रहा है। मुझे ही मार रहा, पैसा भी लिया और मुझे ही मार रहा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुम चुप रहो राम स्वामी, तुम भी इसमें हाथ उठाओगे क्या? मारूंगा तो क्या कर लोगे? लात मारूंगा। अरे ये आदमी हमें बेच डाला, मारो। राम स्वामी, देखा मैंने तुम्हें कैसे बचाया। तूने बचाया? क्यों मजाक कर रहे हो? उनमें से किसी ने नहीं मारा, बल्कि घूमकर तुम ही मुझे मार रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या है? मुझे एक स्मॉल डाउट है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, ये सब क्यों किया मैं जान सकता हूँ? क्यों किया अंत तक समझ में नहीं आया? मुझे शुरू से ही कुछ नहीं मालूम पड़ा। तुम भी एक यूनियन लीडर बने हो। भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। मुझे प्रदर्शन में विश्वास नहीं है, आप सभी लोग देख रहे थे, मेरे खिलाफ काला झंडा दिखाने आए थे और आपस में ही झगड़ा हो गया और वो भाग गए। ये सब मुझे राजनीति में नहीं आने देने के लिए विपक्ष पार्टी वाले करवा रहे हैं, लेकिन मैं इन सब से घबराता नहीं हूँ। मेरे दिल के अंदर गांधी जी हैं। ये लो बेटा सत्या, इसे रख लो। चलता हूँ भैया जी, के चलता हूँ। ये क्या किया भैया जी, 5000 काम के लिए 20000 दे दिया। उसे मजा करने दो एसके, हमारे जैसा आदमी भाई ही बन सकता है, दादा नहीं। मालूम क्यों? हमारी जिंदगी छोटी होती है। एक तो पुलिस हमें टपका देगी, नहीं तो दुश्मन हमें टपका देंगे। अरे उसे ऐश करने दो। रो मत मैडम, तुम पैसे दोगी तभी केस आगे बढ़ेगा, तुमने अभी पैसे दिए हैं, थोड़ा सब्र तो करो। ठीक है। क्या उदय मूर्ति सर, आपकी गाड़ी से तो बहुत आवाज आ रही है। गाड़ी में प्रॉब्लम है, शाम को मैकेनिक के पास छोड़ना है। आप तो इतने काबिल हैं, आप तो हर दिन एक फॉरेन कार में बैठकर आ सकते हैं। आप उसे छोड़कर जनता की भलाई के लिए समाज सेवा करते हैं और पैसे भी नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह स्कूटर पे आना आपको शोभा नहीं देता। सर ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, हराम के पैसे से या किसी का दिल दुखा के मैंने गाड़ी नहीं खरीदी, मेहनत की कमाई की है। सॉरी सर। भगवान आपका भला करे। योर ऑनर, मदन लाल नाम का आदमी बिल्डिंग बनाने के लिए जब कॉरपोरेशन से परमिशन लिए थे, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाऊंगा इन्होंने लिख के दिया था, उस जमीन की सहन शक्ति देखी जाए तो अगर 4 मंजिला से ज्यादा बिल्डिंग बनाई जाती तो कभी भी गिर सकती है, लेकिन इन्होंने बिना किसी कानून को मानते हुए 6 मंजिल इमारत खड़ी कर दी। कॉरपोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़कर 2 मंजिल ज्यादा जो इन्होंने इमारत बनाई है उसको तोड़ने की अनुमति दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इंजीनियर साहब, सर मुझे लगता है कि अभी भी आधा फुट टूटना बाकी है, क्यों ना हम इसे टेप से नाप लें? अरे वो आधा फुट भी तोड़ो, नहीं तो नौकरी जाएगी। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सेठ जी, कानून सबके लिए एक है, उसको तोड़कर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जा बे जा, ह्यूमन राइट कमीशन में केस डाल देना। सेठ ने मुंह पर थूक दिया, मैं उस केस को वहां आकर देख लूंगा। भगवान आपका भला करे। जाम हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग?
ए पकिया, यहाँ क्या खड़ा है? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या यहाँ पर? एक्सीडेंट नहीं हुआ भैया, कल रात को दारू पीने के लिए खटारा गाड़ी लेकर गए थे, लौटते समय गाड़ी खराब हो गई, भैया टुन हो गए थे, अभी आराम से सो रहे हैं। मैं क्या करूं? तो क्या हुआ? सारी पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है, सत्या को नहीं उठानी चाहिए क्या? ए सत्या उठ भैया। क्या हुआ? क्या हो गया? अभी तो 10 बजे है। 10 बजे है? अच्छा क्या कॉशन कर दिया। इसके लिए हम अभी क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? नो एंट्री। जाइए जाइए जाइए, यहाँ से रास्ता बंद है, जाइए जाइए। क्या वे तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हम गाड़ी क्यों घुमा? वहाँ पर एक शैतान जला रहे हैं, थोड़ी देर में तेरे ऑटो को भी जलाने वाले हैं। जाइए यहाँ से। अरे बाप रे, क्यों सर, ट्रैफिक को रोक करके आप वापस जाने के लिए बोल रहे हैं? आप आगे आते तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता। अभी इधर यहाँ देखिए सर, इस आदमी को जैसे प्रॉब्लम है, जब तक ये आदमी अपनी पूरी नींद नहीं ले लेता है तब तक नो वे यू गो अवे। सर ट्रैफिक को क्लियर करना आपका काम है। ओ तो आप रूल की बात कर रहे हैं, एक पुलिस वाले को कानून समझा रहे हैं। पहले आप बताइए, आपके पास लाइसेंस है क्या? इस गाड़ी के सारे पेपर हैं? आपने इसका इंश्योरेंस रिन्यू किया क्या? 3 केस में से 1 केस दर्ज करके इससे पहले कि मैं आपका फ्यूज उड़ाऊंगा आप यहाँ से भाग जाइए। ओह अमाउंट दे रहे हैं, वैसे तो मैं लेता हूँ, पब्लिक प्लेस है, ना समझ दिख रहे हैं। अच्छा आप उसको जगाने जा रहे हैं, अच्छी तरह से देगा, ले लेना। हैं सर आप वीडियो निकाल रहे हैं? सर आपका चश्मा, गले में बैग और चलाकर लाए हुए स्कूटर, सर ये देखकर ही मैं समझ गया था कि आप सिनेमा लाइन से जुड़े हैं। सर आप हीरो ढूंढ रहे हैं ना? सर वो सिर्फ देखने में हीरो लगता है, लेकिन असली डायलॉग तो मैं ही बोल सकता हूँ। सर कैमरा इधर घुमाइए ना, सर घुमाइए ना सर, मैं एक्टिंग करके दिखाता हूँ। लगान दो, अनाज दो, क्यों दे हम ये सब? तुम किससे मांग रहे हो? हम क्यों दे तुमको लगान? बादल गरजता है, जमीन उगाता है, फिर हम क्यों दे तुमको लगान? क्या तुम हमारे साथ खेत में काम करते हो? या तुमने कभी हल चलाया है? नहीं तो क्या तुमने खेत तक पानी पहुंचाया है? और क्या तुमने हमारे बेटियों और औरतों के साथ बैठकर हल्दी पीसने में मदद किया है? मामा हो या भांजे हो, नालायक इंसान। सर सर क्या मैं दूसरे हीरो का भी डायलॉग बोलूं? सब तेरे वजह से हुआ, मैं तो सोया था तुमने ऐसी बात क्यों की। जोड़ी नंबर 1 के लिए आदमी ले रहे हैं ऐसा मुझे लगा, शायद अभी जोड़ी बनाकर ही खड़ा कर दिया। बाहर निकलने के बाद तुझे दिखाता हूं। मुझे भेजो भेजो मुझे। योर ऑनर, पब्लिक प्लेस में इनडिसेंट बिहेवियर के लिए इन दोनों को सख्त सजा दी जाए। सो आईपीसी के तहत। वकील साहब क्यों आईपीसी के सेक्शन बताकर हिंसा कर रहे हैं? हमेशा की तरह 15 दिन के लिए अंदर ही रहना है ना। जा साहब जल्दी जजमेंट पढ़िए, अभी बहुत सारे केस पेंडिंग हैं। क्या कर रहा है? बिना उसे इज्जत दिए हुए तुम जज को ही ऑर्डर कर रहे हो? अबे ये कोर्ट तुम्हारे लिए नया है, मेरे लिए बहुत पुराना है, मालूम है ना। साहब आप बोलिए साहब। तो जेल जाने से आप दोनों को दुख नहीं होगा? बिल्कुल नहीं साहब, हमारे बहुत सारे फ्रेंड जेल के अंदर ही है ना, जेल को भी काफी बड़ा कर दिया गया है, मस्त खुली हवा है सर, चिकन भी हफ्ते में एक दिन मिल ही जाता है तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? साहब जेल जाने से इसको दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे दुख बहुत होगा साहब। ये मेरा मित्र जरूर है, लेकिन टपोरी अलग और पुलिस वाला अलग, इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए। सजा लिखते वक्त अलग अलग देना ये मैं बोल देता हूँ। अच्छा तो तुम मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब, क्यों भाई मुंह खोलने से ही गलत हो जा रहा है। जनरल पब्लिक को तकलीफ पहुंचाने के कारण शहीद सत्या और उसका साथ देने वाला ट्रैफिक कांस्टेबल कंदा स्वामी को 15 दिनों के लिए मदुराई में स्थित गांधी म्यूजियम में रहने का फैसला सुनाता हूँ। गांधी म्यूजियम में? जेल भेजने का मतलब किसी को सुधारने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, तुम दोनों के लिए गांधी म्यूजियम ही सही जगह है। क्यों भी सत्या, ऐसा तो नहीं कि गांधी म्यूजियम जेल से भी खतरनाक होगा? ऐसा भी उसे हमें क्या, 10 जेलर और 100 पुलिस वालों को मैं संभाल चुका हूँ, वहाँ हमें कौन क्या कर सकता है। सरकारी नौकर को भी मदुरई भेजा जाता है, अपन मस्त एंजॉय करके आते हैं। शुक्रिया साहब। ला 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 ला, अरे रे रे। मैं तो गांधी म्यूजियम को कोई पुराना टूटा बिल्डिंग समझ रहा था, ये तो 5-स्टार होटल की तरह दिखता है। ऐश कर लो राजा, ऐश कर लो। क्या बात है भाई, कोई दिखाई नहीं दे रहा। हेलो 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 लो 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 हेलो 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 माइक सिंह। ए तुम्हारे चिल्लाने से गांधी बुड्ढा भी आ जाएगा। बात तो तू आधा सच कर रहा है सत्या, गांधी तो नहीं, उधर देख एक बुड्ढा जरूर आ रहा है। क्या चाहिए, आप कौन हो? एक अच्छे होटल से हाफ प्लेट बिरयानी चाहिए। अपना काउंटर क्लोज करो, म्यूजियम का इंचार्ज कौन है? ये है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, आई एम कंडा स्वामी, कांस्टेबल कंडा स्वामी, दिस इज साई देव सत्या मकैनिक। अब ये कोर्ट का ऑर्डर निकाल और बुड्ढे को दे दे। ओ यस यस, चलो बुड्ढे। सत्या इस बुड्ढे के नाक से फेना क्यों निकल रहा है? मुझे यार, तू भी ना। अच्छा अच्छा, आप लोग आने वाले हैं, वो ऑर्डर मुझे भी कोर्ट से मिला था। इज इट? अगर रहने हैं तो कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। यू मीन रूल्स एंड रेगुलेशन? कम ऑन बोलिए बोलिए बोलिए। तुम दोनों यहाँ पर ऐसे कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते। वेटर यहाँ आओ। जी साहब। मैंने ऐसे ड्रेस तुम दोनों के लिए सिलाया है, वही तुम दोनों को पहनना होगा। क्या ये कुर्ता पजामा? ये टोपी भी डालना पड़ेगा। मेरा टोपी? सिर्फ वो ही नहीं,
तुम दोनों को 4 बजे सुबह उठना होगा। 4 बजे? वो कुछ नहीं है सत्या, वो हमें 4 बजे उठाएंगे ताकि हम सुसु करके फिर से सो जाएं। क्यों सर, क्या हम छोटे बच्चे हैं जो बिस्तर पे सुसु करेंगे? आप क्यों हमें सुबह 4 बजे उठाकर डिस्टर्ब करेंगे? 4 बजे उठ करके नहा धो करके तैयार हो जाना है। 5 बजे तक स्नान करना होगा? हाँ। जी हाँ, 5 से 6 तक। कॉफी देंगे ना? नहीं नहीं, तुम दोनों को प्रार्थना में जरूर शामिल होना पड़ेगा। क्या 5 बजे प्रेयर होगा? हाँ, 6 से 7 बजे। नाश्ते में क्या मिलेगा सर? जल्दबाजी मत करो, इस लाइब्रेरी हॉल को झाड़ू पोछा लगाकर साफ करना पड़ेगा। हो गया फिर तो। 7 से 8 यहाँ के जितने संडास से फिनाइल से साफ करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं। ब्रेक द रूल्स। ये कोर्ट का फैसला था इसीलिए हम इधर आए हैं। 15 दिन मदुरई में घूमेंगे फिरेंगे यही सोचा था। इतना कंडीशन बता के तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो बुड्ढे। अबे टिंगो, इसे रूम में रख देना। या दिस आल्सो ट्रैफिक को छोड़ डालो। दारू की याद आती है, म्यूजियम पहुंचकर काम चालू करते हैं। एक ऑटो बुला। ऑटो बुलाना है? हाँ। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ और अपने पास माल भी है। अभी देख। क्या देखूं? अरे
अरे ये तूने क्या किया? कनेडी घोंटा को हाथ से ही चालू कर दिया। अबे मालिक आने के पहले भागते। अरे बाप रे सर, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, इसने गाड़ी को स्टार्ट किया है। अपनी गाड़ी ले जाने के लिए मुझे क्यों परेशान करना, जाओ। ओ अरे ये तेरी गाड़ी नहीं है, फिर हमें क्यों डरा रहा था घूर के? अरे मीना तुम्हारी गाड़ी को ले जा रहा है। गाड़ी तेज चला। अरे रुक, मेरी गाड़ी है। भगवान तो गाड़ी तेज चला। बचाओ। अरे जल्दी चलो, रुको रुको, गाड़ी तेज चला। तेज चला और तेज चला। लाठी आ रही, लाठी। कौन है लाठी? अबे लाठी की मालिक थोड़ी आएगी, इस गाड़ी की मालकिन हाथ में लाठी लेकर आ रही है। अरे अरे चोर तो आराम से बैठा है, पीछे मैं लाठी खा रहा हूँ। अबे तेज चला, तेज। अबे तेज चला, इससे तेज नहीं जाएगी। छोड़ साले, लाठी को छोड़ो, छोड़ो लाठी को, छोड़ नहीं लाठी। अब क्या करूँगी बोलो। चोड़ा चोड़ा मुझे, चोड़ा चोड़ा मुझे, मेरा पाइल्स है। क्या पाइल्स है? अबे पटक रहेगा तभी तो पाइल्स होगा। वहाँ देखो, तेज चला रे, तेज चला। अरे बाप रे, अबे हम क्या करें? अब मैं क्या करती हूँ देख। अरे बाप रे, क्या रे भाई, उम्र नियम हो गई। अबे वो फांसी का फंदा लेकर पीछे आ रही है, और फांस चला, और फांस। अरे क्या फांसी का फंदा, फांसी आ रही है। अरे बाप रे, क्या होगा, अब क्या करें? अरे अभी नीचे गिरने से तेरा बदन सॉफ्ट कैसे हो गया है? स्टूपिड, मुझे आवाज भी सुपर है, सिर पर बाल भी लंबे हो गए। अरे सत्य किधर है? अरे बाप रे, वहाँ देखो, ये कैसी नाइंसाफी है। अबे रुकना, निकाल रहा हूँ ना। अरे रे रे रे, अगर जिंदगी में इंसान कहीं पर फंसता है तो ऐसे ही फंस जाता है। बहुत लोग आइटम के लिए धागा बांध देते हैं, तुमने तो रस्सी बांध दिया। ये क्या भाई, इस एरिया में तीन तीन पैर है। अबे बकवास बंद कर, रस्सी खोल जल्दी। अरे मैं क्या हेल्प करूं, इतने बड़े साइज के लिए तुम्हें खुद ही हेल्प कर लेना चाहिए। मेरे भाई बच्ची पंक्चर होकर बैठी है, जरा शरबत खरीद कर दे देते हैं। यहाँ रुके तो बैंक बच जाएगा। अरे भाई, तुम दोनों मेरे हाथों से मास्क खाए बिना बच के नहीं जा सकते। ए स्टूपिड, ये सब होने से पहले ही हम ऑटो पकड़ लेते और आ जाते। उस विषय के बारे में मैंने भी पढ़ा था। हमें ऐसे फॉलो कर रही थी जैसे फॉरेन भाग रहे हैं। आ जाओ हमारे जज साहब। अरे हाँ, क्यों साहब, क्या चेन्नई का कोर्ट बंद है? लगता है आप भी मदुरई घूमने के लिए आए हैं। अरे साहब, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो आप भी हमारे साथ त्रिपुरम कुंड्रम में एक नाच गाने में शामिल हो सकते थे। मदुरई के लोगों में अपनापन कुछ अलग है, लेकिन वो लड़कियां है ना, वो थोड़ी तेज है। क्या रहा बुड्ढे, यहाँ क्यों खड़ा है? तुझे मालूम है कितने बड़े जज हैं? जा जाके कॉफी बना के ला। ए, ये कौन है जानता है तू? अरे ये सर इतना बड़ा म्यूजियम को संभालने वाला बुड्ढा है ऐसा बोलता है। पॉकेट में देखो कितना लंबा लिस्ट रखा है। मुंह बंद करो, ये मेरे टीचर है। टीचर, आज मैं जो जज हूँ इन्हीं की वजह से। तुम दोनों ने पहले गलती की, अब माफी मांगते हो? उठो तुम दोनों, उठिए उठिए। ए, मैंने मजा करने के लिए मदुरई भेजा था, अगर मैं चाहूँ तो 1.5 साल के लिए तिहाड़ जेल भेज सकता हूँ, सुधर जाओ। तिहाड़? मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों यहाँ आकर सुधर जाओगे, लेकिन यहाँ भी अपना नाटक चालू कर दिए। सर अगर इसके बाद भी इन दोनों ने नाटक किया तो सजा इनको आप देंगे, बाकी मैं देख लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, कल से देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं। साहब जी हाँ साहब, बस कुछ भी नहीं है, लिस्ट का फर्स्ट कंडीशन क्या है? 4, रात को 4 बजे उठना है, बस यही ना? नहीं नहीं नहीं, प्रातः काल। ठीक है, सवेरे उठना। ओके डन। डन नहीं, डॉन में उठना है। ओके डॉन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम ने दिए भगवान। रघुपति राघव राजा। गांधी जी सच्चाई के विषय में बात करते समय एक जगह भूले थे,
मेरी लड़ाई का हथियार चाकू या तलवार जैसे ही सत्य है, उसी की हमेशा जीत होती है। आप लोगों को कुछ और पूछना है साहब? बोलो। नाश्ता कब मिलेगा साहब? महान गांधी महान, महान गांधी महान। क्या गाना गा रहे हो? ठीक से काम करो, नहीं तो तुम दोनों को तिहार जेल भेज देंगे। क्या तिहार? ए भगवान, गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से भगाया था, क्या इस कालिया को हम यहाँ से नहीं भगा सकते? सुनहरी जिंदगी मिट्टी में मिल गई, अब क्या होगा पता नहीं। ये कचरा भी हमारी इज्जत नहीं करता है। छी, इससे ज्यादा बेइज्जती और हम नहीं सह सकते। टेंशन हो रहा है मुझे। क्या आराम कर रहे हो? तिहार जेल। अरे बाप रे, ये जब भी तिहार तिहार बोलता है तब मेरे नीचे के पेट में गड़बड़ होता है। ये हम दोनों कैसे हो गए? इन सब का कारण वो बुड्ढा उदामूर्ति है। यस, साला उदामूर्ति। कहां कहां गलत हो रहा है, सिर्फ आपको कैसे पता चलता है? हमारे देश की भलाई हुई ऐसा सोचने वाले इस देश में बहुत लोग काम कर रहे हैं, वही लोग हमें खबर देते हैं। वकील होने के नाते मैं केस दर्ज करता हूँ और न्याय मांगता हूँ, बस इतना ही। बड़ी बड़ी हस्तियों से पंगा लेते हैं, आपको धमकी या कुछ ऐसा आता है? जो आदमी दूसरे की भलाई सोचता है उस आदमी को ये दुनिया वाले कहाँ चैन से रहने देते हैं। ईसा मसीहा को सूली पर, गांधी जी को गोली, और मुझे कैसे मारेंगे आई डोंट नो। एक्सक्यूज मी। नमस्ते, उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। मैं वीबीआर का पीए संकरण बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। साहब ने आपको शाम 5 बजे अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं वकील उदय मूर्ति हूँ, मुझे वीबीआर साहब ने बुलाया है। उनको अंदर भेज दो। ओके सर, आपको अंदर बुलाया। थैंक यू। मे आई कमिंग सर? चला जा वकील उदय मूर्ति, बैठ। तुमने ही इस एसआई को ऊपर केस फाइल किया है? इन्होंने एक बेकसूर पर झूठा केस लगाकर पूछताछ के बहाने से उस बेचारे को बेरहमी से पीटा। अबे क्यों केस किया है पूछा मैंने? ये मेरा आदमी है, तुम केस वापस ले लो, इसमें कैश भरा है, जितना चाहिए ले लो। मुझे माफ करिए वीबीआर, अगर महादेव जी भी यहाँ आकर अपनी तीसरी आँख खोल करके दिखाए तो भी मैं गलत को गलत ही बोलूंगा। इन पैसों का लालच देकर के आप मुझे खरीद सकते हैं ये मत सोचिए। जिससे आपका कोई संबंध नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आपके एक केस के संबंध में कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हम दोनों की मुलाकात कोर्ट में होगी, आप रेडी हो जाइए, भगवान आपका भला करे। गांधी के जैसे महान कोई नहीं, गांधी के जैसे महान कोई नहीं। ये गांधी के जैसे महान कोई नहीं, महात्मा हम सब उसके रास्ते पे चले, हम सब उसके रास्ते पे चले, हम सब उसके रास्ते पे चले। हमारी गाड़ी लेकर उस दिन जो भाग रहे थे वो दोनों यही है ना? हम सब उसके रास्ते पे चले, ठीक है गाना बंद करिए, ये नोटिस इन लोगों को बांट दीजिए। इनको ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या नोटिस है? इसमें गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में लिखा है, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं मोड़कर पॉकेट में रख लीजिए। ये लीजिए दीदी। अरे बाप रे, मेरे हाथ में नहीं दोगे? तुम ही दे दो भाई। ओहो, तुम भी मोड़कर रखने वाले केस हो? ये क्या ए साइड से रखकर बी साइड से निकाल रही हो? आपका सिद्धांत प्रिंट करके रखी हो? बताओ इसमें क्या लिखा है? आई लव यू। यू रास्कल, मुझे लव लेटर दे रहे हो? अरे बाप रे, तुझे मालूम है मैं क्या हुआ बेटी, क्या परेशान? देखिए ना दादाजी, नोटिस के बहाने ये लव लेटर दे रहा है। दादाजी मैंने नहीं लिखा, ट्रैफिक से पूछ लीजिए। हाँ दादाजी, हाँ मालूम है झूठे के लिए कीदड़ सफाई दे। नहीं दादाजी, इसके ब्लाउज के अंदर क्या है अगर आप देखते तो मालूम पड़ जाता कितनी बड़ी फ्रॉड है। क्या मेरे जैकेट के अंदर क्या है? देखिए ना दादाजी, ये गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। नहीं दादाजी, मेरा मतलब नहीं था। देखो बेटी,
उसकी गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इन्हें माफ कर दो। क्यों, तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? नहीं दादाजी, एक्चुअल में जो हुआ, जज साहब ने क्या बोला था दादा, आप ही बता दो। ये बुड्ढा चुप भी हो जाएगा लेकिन ये कालिया नहीं चुप बैठेगा। तुम दोनों 15 दिन नहीं 30 दिन इस म्यूजियम में रहोगे। 30 दिन रहना पड़ेगा? महात्मा गांधी की। संध्या, ये किसके लिए है मंगलसूत्र? उस लड़की ने हमारी कितनी बेइज्जती की है, बदला तो लेना होगा। ये सीधी सत्या कौन, उसे समझाना पड़ेगा। इसके लिए उसके गले में मंगलसूत्र तुम पहनाओगे। वो तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं जाकर पहनाता हूं। ठहरो, मैं ही पहनाता हूँ। तो फिर रो क्यों रहे थे? ये खुशी के आंसू है, अब तुम इन आंखों में हमेशा खुशी के ही आंसू देखते रहोगे। अच्छा ये बता, उसका हम पता कैसे लगाएंगे? उसने बोला था ना कि उसका बाप DSP है, पुलिस का घर ढूंढना कौन सा मुश्किल है, मैंने तो ढूंढ निकाला। सत्या, बिहेवियर में तुम टपोरी लगते हो लेकिन दिमाग में पुलिस वाले लगते हो। क्यों बे, लूज मोशन आ रहा है? नहीं दोस्त, ये एक इमोशन है। अभी इस वक्त कौन सा इमोशन? ये एक कांस्टेबल कंदा स्वामी का ससुर एक पुलिस DSP है, ऐसा सोचता हूँ तो मुझे बहुत गर्व होता है। टाइम हो गया, चलो। ठहरो, इस दामाद को लड़की के घर वाले मान सम्मान करेंगे ना? नहीं करेंगे तो शादी कैंसिल। शादी तो धूमधाम से करेंगे, चलो। धूमधाम से, धूमधाम से। सक्सेस। ए, मैं नीचे देखता हूँ, तुम ऊपर देखो। ठहरो, मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, तुम ऊपर की तरफ देखो। कहीं भी देख ले। 3 बजे निकलने से ही हम सब वहाँ पहुँच पाएंगे। सुबह सुबह शादी रख कर हमें तकलीफ देते हैं। मीना रेडी है? ऊपर तैयार हो रही है। एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह आपके घर में शादी होने वाली है, क्या आपको मालूम है? अरे तुम कौन हो? तो बाद में बताऊंगा, पहले जिप तो बंद करिए सासू जी। तुम अंदर कैसे आए? कैसे ऐसे ही सासू जी। अरे छोड़ मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अरे बाप रे, मैंने सोचा था कि मैं इस घर का दामाद बनूंगा पर लोडमैन बना दिया रे। अरे रे सत्या, तुम कहाँ हो? इससे पहले कि मैं अंतिम सांस लूं, तुम आकर पहले इस भारी वजन को हटाओ मेरे ऊपर से। उठो। मीना, तुम सच में एक सुपर आइटम हो, तुम्हें पाने वाला कौन होगा? अरे बड़ी मुश्किल से बेड से जमीन पर लाया हूँ, अब इस गहने को कैसे ऊपर से हटाऊं? अरे 5-6 आदमी का खाना अकेला ही खा जाता होगा। इस पूरे शहर में ऐसा कोई भी मर्द नहीं है जो तुम्हारी आग को बुझा सके। तुम्हारा आगे का फिगर क्या, पीछे का फिगर क्या? अरे बाप रे, पहुँच गया हूँ, पहुँच गया हूँ। उठ गए ने, अबे उठ, उठ गए, उठ गए ने। अरे मुत्थू रानी, रेडी हो गई क्या? मुत्थू रानी बाजू के आदमी के साथ भाग गई है। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। ए, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम बहुत देर से यहीं पर हो? तो तुम मेरा ड्रेस चेंज करते समय सब कुछ देख रहे थे? चिल्ला मत, चिल्ला मत। अंदर स्वामी, लड़की लेडी है। कहाँ, 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 कहाँ? ए, कहाँ? जल्दी मंगलसूत्र पहनो। मैं आ रहा हूँ, मैं आया, पंडित को बुलाओ जल्दी, मंत्र पढ़ेगा जल्दी। मैं आ गया, आ गया। अबे इधर। कसम से पिछले जन्म से रहती है तू इस दिल में सनम, ले ले चाहे वादा है यही इरादा, प्यार कभी अब होगा ना तुम।
रहती है तू इस दिल में। क्या हुआ? बिल्डिंग सेट कर दी है, उठा लेंगे उसको। सत्य की परीक्षा इसी मदुरई महानगर में हुआ था। गांधी जी का चेला किसानी का काम करता था, कपड़े नहीं पहनने की शपथ ली, शर्ट पहनना त्याग दिया। महात्मा कंदस्वामी, तेरा चेहरा इतना डल क्यों दिख रहा है? तू क्यों नहीं पूछेगा? मंगलसूत्र पहनाने के लिए तू ले गया और मेरे ही नाक को काट दिया। अब तो इस बुढ़े की तरह हो गई है मेरी नाक। सामने दीवार था, देख सकते थे ना। हाँ बे, तुम्हारे लिए आइटम, मेरे लिए पट्टी। अब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो ना बुढ़े? बीच रोड में खड़ा होके क्या बेच रहे हो? ये हारमोनियम कितने का है? हारमोनियम बेचने के लिए नहीं है, ये खरीद लो, सत्य की परीक्षा। जितनी परीक्षा हो रही है वो क्या कम है? अब ये पैसा दे के लेना पड़ेगा। क्या बात है, मदुराई में आदमियों की बोली के तो कुछ अलग ही अंदाज है। किताब बेचने के लिए ये ढोलक और ये हारमोनियम की क्या जरूरत है? कभी कभी गाने में जरूरत भी पड़ती है। ओ, गाना भी गाते हो? देखे, एक गाना हमें भी सुनाओ। गाओ बुड्ढे। ठीक है, मैं गाता हूँ। अरे ये देखो, बुड्ढे को तो गुस्सा ही नहीं आ रहा है। परवाह नहीं, गांधी के रास्ते पे सही चल रहे हैं। चलो बुड्ढे, चलो जाओ 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 जाओ। ये क्या लग रहा है? अरे बाप रे, सब लोग मेरे ही नाक को निशाना बना रहे। अरे अरे क्या रे बुड्ढे, खून खोल रहा है? नहीं खोल रहा है, डर गया। गांधी ने यही सिखाया। डर, इसे नीचे फेंको। ए, चेला उठाने से तू बहुत बड़ा रोडी है। ये मेरा किला है, यहाँ पर मैं ही सिर हूँ और मैं ही पूछूँ। सिर्फ उंगली से चुटकी बजाऊंगा ना, कई कोस दूर तक सुनाई देगी। मेरे से ही पंगा लेगा। इसे फेंक रहे हो या नहीं? कितनी घिनौनी बातें कर रहे हो। हम गांधी जी के बारे में प्रचार करने आए हैं, तुम भी ऐसी हरकत करोगे तो तुम दोनों में क्या फर्क होगा? उसे नीचे डालो। अभी तुम नीचे डालोगे या नहीं? क्यों दादाजी? हाँ। चार घंटे में सिर्फ चार किताबें बेची हैं। 4×3=1,120 रुपया। यहाँ पर लगभग 10 लोग खाना खा रहे हैं। बिल कम से कम 150 रुपया आएगा। जिस तरफ से देखो हम ही नुकसान उठा रहे हैं। फायदा और नुकसान की कोई अहमियत नहीं है। गांधी जी को कितना लोग समझते हैं उसी की अहमियत है। ओ, गांधी का हिसाब मतलब इसी को बोलते हैं। अबे तू क्यों डल दिख रहा है? बिल तो बुड्ढा बनने वाला है। नहीं भाई, जिन लोगों ने बवाल किया उनका कुछ नहीं कर पाया, इसी बात से दिमाग खराब है। तेरा क्यों दिमाग खराब हो रहा है? क्या मंदिर का रास्ता कुवैत में है? चार रास्ते की सुपारी तो है, उधर जाकर चार हाथ मार, तब तक मैं मेंटेन करता हूँ। मैं कैसे जाऊँ? हाँ, क्या बात है, तेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। अरे अरे, तू यहाँ गंदा मत करना। तूने जो बासी खाना खाया था ना, मुझे लगा तभी कुछ गड़बड़ है। जा यहाँ से, जा जल्दी जा। दादाजी से बोलिए ना। जाओ जाओ जाओ, आराम से। थैंक यू दादाजी, मैं भी जाकर आऊँ। तुमको क्यों जाना है? उसको देखने के लिए। ये सब देखने की चीजें खाओ। क्यों बे, पैसा मांगने से नहीं देगा? Hey!
दुबे, ये तेरा किला है, यहाँ तू ही सिर है, तू ही पूछ है। अब मालूम पड़ेगा क्यों रे साले, तू अगर यहाँ पे चुटकी बजाएगा तो उसकी आवाज कोसों दूर तक सुनाई देगी। अरे बाप रे, क्या हुआ सत्या? मार के हालत खराब कर दिया ना। ये क्या बोल रहा है, मार कर हालत खराब कर दिया, फ्री से पेट खाली कर दिया। क्यों दादाजी, आप क्यों उठ गए? ये सब बकवास सुनकर कैसे खाना खाऊं? दादाजी उठ गए तो तुम क्यों बैठे हो? भाग 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 भाग। हेलो वीबीआर, मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ। ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ फर्ज बाकी रखा है, इसीलिए उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। बहुत ही जल्द मैं आपको कोर्ट में मिलता हूँ। भगवान आपका भला करे। आज सात बंडल वेलुपुरम जाना है। नमस्ते साहब। क्या हुआ, इतनी पट्टियाँ क्यों बंधी हैं? आपका हमने मजाक उड़ाया, भगवान ने हमें सही सजा दे दिया। हम जिस कार से जा रहे थे पेड़ से टकरा गई, हमें माफ कर दीजिए। अरे इस बात के लिए आप लोग उसके लिए नहीं आए हैं। हमें सत्य की परीक्षा की किताब दीजिए, सबको चार चार दीजिए। चार चार किताब क्यों, एक के लिए एक काफी। जान पहचान लोगों में हम बांटेंगे साहब, तभी हमारा पाप धुलेगा। ले लो, हम चलते हैं साहब। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, नमस्ते भैया। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। तुम इन लोगों को मारना चाहते थे ना, भगवान ने इन लोगों को दंड दिया, ये सोचकर ये लोग माफी मांगने आए थे। ठीक है, जाने दो, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है। भगवान हमेशा अच्छे इंसान के साथ रहते हैं, मगर तुम जैसे नालायकों के साथ नहीं रहेंगे। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, दंड देने वाले भगवान नहीं, ईसाई ने सत्य था। अबे, इसके हाथ से ही मार खाकर माफी मांगे और किताब भी खरीद कर गए। तू अभी ये सब क्यों बोला? वो सब तुम चुप बैठो, सच्चाई तो मालूम पड़ना चाहिए। आज हमारे देश की कंडीशन क्या है, इस बुड्ढे को मालूम पड़ना चाहिए। ये सब थोड़ा ओवर कर रहा हो। सत्या, क्या तुमने उनको मारा? क्या तुमने मारा था? हाँ हाँ मारा था, और आज किताब नहीं खरीदते तो और मारता, इसीलिए उन्होंने किताब खरीदा। चलो मेरे साथ। देखो इसमें क्या है, देखो। देखा, तुम्हारे मारपीट की जीत। देखो, तुमने उनको मारकर धमकाने के कारण हमारी जगह से निकलते ही किताबों को कचरा पेटी में फेंक दिया, और यही प्यार से बोलकर सुधारते थे तो ये किताब को वो लोग संभाल कर रखते थे, थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश करते थे। तुम्हारा मारपीट का सबक 400 मीटर की दूरी तक नहीं गया, लेकिन अंग्रेजों को 4000 किलोमीटर दूर तक भगाया था हमारे गांधी जी ने। जो अंग्रेज यहां से गया, उनके देश में भी गांधी जी की मूर्ति है। वही है प्यार की जीत, अहिंसा नाम के हथियार की जीत। महात्मा गांधी ने प्यार को हथियार बनाकर अहिंसा के रास्ते पर लड़ाई लड़ी। उनके अध्यक्ष में बने इस पवित्र स्थान पर उनके ही खिलाफ। दादाजी, नो प्रॉब्लम, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। सत्या, उन्होंने बोल दिया ना कुछ नहीं होगा। नहीं यार, अगर उनकी लाइफ को कुछ हो जाता तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाता। क्यों सच्चाई बता दी, मुझे भी अंदर से फीलिंग हो रही है, पर क्या करें, इसका कारण मैं ही हूँ ना। अबे, उनकी इच्छा क्या है? गांधी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाना। अरे, और 10 दिन लगेंगे ना डिस्चार्ज होने में। हाँ। तब तक हम पहुँचा देंगे। ए, इतनी जल्दी फैलने के लिए क्या चिकनगुनिया बीमारी है? ये महात्मा गांधी के सिद्धांत है। कल देखना पूरे मदुरई में गांधी कैसे फैलेंगे। मदुरई महानगर की जनता, एक खुशखबरी, जानी मानी अभिनेत्री मालविका हमारे शहर में आने वाली है। क्या उसके साथ आपको हाथ मिलाना है, या उसके साथ आपको फोटो खिंचवानी है, या उसके साथ बैठकर खाना खाना है? आपके लिए आया है एक सुनहरा मौका।
मदुराई महानगर में स्थित गांधी म्यूजियम के भ्रमण करने वालों में से लॉटरी द्वारा प्रतिदिन 10 लोग चुने जाएंगे और ये लोग मालविका के साथ हिला सकते हैं और वो 10 लोग मालविका के साथ हाथ मिला सकते हैं और फोटो भी खिंचवा सकते हैं। गांधी जी द्वारा लिखी गई सत्य की परीक्षा किताब से हम लोग पूछने वाले सवालों का सही जवाब देने वाले को मालविका के साथ बैठकर खाना खाने का मौका मिलेगा। जाओ जाओ जाओ, ए रुक तू, दसवीं बार तुझे लाइन में देख रहा हूँ मैं। सर एक बार घूमने के लिए एक ही टोकन देते हैं, 10 बार घूमने के लिए 10 टोकन देंगे। उस लॉटरी में जीत कर सपनों की रानी तरह बना सकता हूँ। दीजिए सर, दीजिए दीजिए सर, देश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ जाओ जाओ, बुक सब खत्म हो गया सर। क्या यार, नमस्ते मदुराई महानगर के वासी जमान लोग, खतरनाक शेरों, क्या सब लोग रेडी हो? रेडी सर। हाँ, कोई बाजू में नहीं देखेगा, कोई बिट नहीं मारेगा। मैं अब तुम लोगों से सत्य की परीक्षा की किताब से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोग उसका जवाब लिखेंगे। क्या सवाल पूछूं? पूछो सर, मुझे एक सवाल पूछना है। देखो, हम लोगों को सिर्फ सवाल ही पूछना आता है और तुम हम लोगों से ही सवाल पूछना चाहते हो, वो ठीक है? क्या तेरे सिर में किसी ने पान पराग थूका है? गले में बड़ा घंटा झूल रहा है, पैंट सिर्फ पौना है, बाकी का कुत्ता काट ले गया, और पेप्सियों की तरह ओह डाल रहे हो। पैंट का बटन डाल साले, चड्डी की पट्टी दिखाई दे रही है। पट्टी दिखने से ही फैशन है। ओ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे ना? मालविका को जरूर देख सकते ना? जरूर। क्या तुम मालविका के पीछे पागल हो? क्या सर, आपने ऐसा पूछ लिया। उसको देखने के लिए मैंने मेरे पिताजी का कार बेच डाला, उसी पैसे से चेन्नई जाकर देख कर आया सर। क्या बात है, तुम इतना पागल हो? सत की परीक्षा करेक्ट से पढ़े हो ना? पन्ना से पन्ना याद है सर। अरे तुम कैसे लिख सकते हो, तुम्हारी तो दो उंगलियां कम है। सर, फैशन फैशन है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तिरुपुरम कोंड्रम आरमुगम विका। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा विका? माला विका। अच्छा ठीक है, तेरी माँ का विका। साहब कब आओगे? साहब कब आओगे? ए यहाँ रोने का नहीं, डिस्चार्ज होने में एक हफ्ता लगेगा। वो कहाँ ठीक होने वाले, उनको तो वापस यही आना। ठहरिए ठहरिए, भाई साहब इधर आइए। आप गांधी म्यूजियम में काम करते हैं ना, इस मालविका सुंदरी के साथ उसके जश्न में शामिल होने के लिए कैसे भी एक उपाय निकालिए सर। जितने भी लाख खर्च हो जाए परवाह नहीं है, मैं आपके हाथ को पैर समझूंगा। प्लीज भैया। शांति 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 सभी सज्जन लोग सुनिए, जो लोग लॉटरी जीते हैं मैं उनका नाम बताता हूँ। पहला इनाम सत्य की परीक्षा में ज्यादा अंक पाकर जीतने वाला सुनहरी परी, मालविका के साथ बैठकर जश्न में खाना खाने वाला वो भाग्यशाली कौन है? वो है त्रिपुरम कुंड्रम से आरमुकम विका। आरमुकम विका कहीं पर भी हो मंच पे आइए। अरे कहाँ है आरमुकम, कहाँ है? क्या हुआ, उस दिन तो बड़ा जोश में था, आज गायब है? वही तो, मालविका को देखने के लिए उसने अपने बाप की गाड़ी बेच डाली थी, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अब दूसरा नाम पुकारता। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। अब उसके बाद दूसरा इनाम सुंदर चुलबुरी कलरफुल होट वाली मालविका के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाने वाले टेप्पाकुलम आर मुर्गन, नडीन चेरियन, आर आर गुना शेखरन, आर आर पल्लन, आर अनबु, होरी पालियम गोविंदन, नरीमेज नारायण। मालविका मालविका, आप तो मेरी सांस हो, आपके लिए 15 बार गांधी म्यूजियम घूमने गया था। जा आओ आओ जल्दी आओ। अबे रुक रुक रुक, मुझे मालूम है तू दोनों हाथ क्यों फैलाया, हाथ मिला और फोटो खींचा, जल्दी कर। अबे साले तू चलती गाड़ी से कूद कर आया हो, टीटी है ना, हाथ मिला फिर। भविष्य मुख्यमंत्री मालविका, ऐसे ही बोलकर तूने बहुत लोगों को घर भेज दिया, हाथ मिला। अभी महात्मा गांधी के बारे में नशीली आंखों वाली
मालविका कुछ बातें आपसे करेगी। अरे अरे मैडम सॉरी मैडम। नमस्ते। महात्मा गांधी एक महान थे, वो हमारे देश में पैदा हुए, इसके लिए हम सब खुशनसीब है। अगर हम उनकी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो देश में प्यार और शांति और अमन आएगा, आतंक भी खत्म हो जाएगा। संभाल के आप भी आश्रम में आ जाओ। ए विक्ट्री, इतना तुम उदास क्यों हो? मैं तो सही सलामत वापस आ गया हूँ। सर आपको नहीं बताने को सोचा था, बिना बताए हुए नहीं रह सकता हूँ। दोनों टोपोरी हमारे म्यूजियम को गंदा कर दिया साहब। हेलो भाई रखो। 10 रुपया ऊपर से दीजिए साहब। क्यों बे, जो तय हुआ था उससे ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? हम आईजी के बहुत करीब वाले। अच्छा हैं। मत दीजिए साहब। चलो निकलो निकलो। क्या हम आईजी के करीब वाले हैं? हाँ, इंडिया गांधी बहुत करीब लोग है ना, इसलिए आईजी। रुको तुम दोनों, तुम दोनों ने गड्ढा खोदकर मुझे दफनाने की सोची? किसी अपने नेत्री को बुलाकर तुम दोनों जश्न मना रहे हो? क्या तुम दोनों इंसान हो? कितनी पवित्र जगह है मालूम है तुमको? दूसरों के लिए ये इमारत एक आम जगह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गांधी नाम से निवास करने का एक मंदिर है। मेरे गैरहाजिरी में मंदिर को अशुद्ध कर दिया, नालायक कहीं के। बात करिए दादाजी, क्या हुआ क्यों हुआ बिना जाने बातें मत कीजिए। अभी हम कहां जाके आ रहे आपको मालूम है? तिरुपुरम कुंडरम गए थे। आसे अमरूद इसे मिली, जासे जोड़ी, जासे जोड़ी। क्यों भाई आर्मुगम अपना गेटअप चेंज कर डाला? बकरी की दादी और बिखरे हुए बाल के साथ थे, हर बात पर पेप्सी ओ ओ करके स्टाइल से बात करते थे। क्यों तुम पैजामा कुर्ता के साथ हो गए? उस दिन बड़े जोश में सवाल पूछे थे, लेकिन बख्शीश लेने उस दिन मंच पे नहीं आए। आर्मुगम, क्या तुम सच में सीरियस होकर सीनियर सिटीजन के साथ बैठे हो? ऐसा क्यों मेरे भाई? सॉरी सर, मालविका का फैन जरूर था, कॉम्पिटिशन में जीत कर उनके साथ बैठ कर खाना खाने के लिए ही मैंने सत्य की परीक्षा किताब पढ़ना चालू किया, लेकिन पढ़ते पढ़ते मन में जो मालविका थी वो चली गई और महात्मा जी आ गए। उसके बाद मुझे फंक्शन में आने का मन नहीं हुआ। जिंदगी में मुश्किलें नहीं आनी चाहिए, यही हम सोचते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो हर एक नौजवान की जिंदगी में अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। सर मेरे जिंदगी में होने का कारण आप दोनों हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। यही हुआ था दादाजी। गांधी जी के बारे में आप बताएं, मैं बताएं या वो अभिनेत्री बताएं? अच्छी बीज जो बोएगा पौधा अच्छा ही होगा। क्यों? किसने बोया है इसकी कोई अहमियत नहीं, किसने क्या बोया इसकी अहमियत है। तिरुपुरम कुंडलम आर्मुगम का मन बहुत अच्छा था, इसलिए वो तुरंत बदल गया। सिर्फ वो ही नहीं, उस दिन मीटिंग में शामिल लोगों में से किसी का भी मन एक या दो महीने बाद बदल सकता है। पहले यहाँ 10 लोग भी महीने में आते थे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब 4 दिन में 4,000 लोग आए थे। एक ही दिन में 1,500 सत्य की परीक्षा किताब बिक गई थी। इसका कारण कौन था? वही अभिनेत्री। दादाजी, जब हम भगवान के रथ को गली गली घुमाते हैं, जब हम रथ के आगे नाचते गाते और पटाखा फोड़ते हैं, तभी 4 लोग घर से बाहर निकल के जुलूस का आनंद लेते हैं। अगर हम साइलेंट से जाएं, तो सोचिए किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा। जब भगवान को ही पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो क्या भगवान के समान हम पूजने वाले गांधी जी को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं चाहिए दादाजी? इसमें क्या गलत है? गांधी के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए हर नोट में उनकी तस्वीर छपी है। घूस लेने वाले उसी रुपए का लेन देन करते हैं, और एक दोस्त भी न्याय मिलने के लिए उसी रुपए से मदद करता है। सभी बातों में अच्छा बुरा दोनों का मिलावट होता है। हमने जो भी किया अच्छे के लिए किया, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद भी आपको लगता है कि हमने गलत किया तो आप हमें जितने साल यहां रखेंगे हम रह जाएंगे। तुम उम्र में छोटे हो सकते हो, लेकिन सोच बड़ी है। तुम दोनों को मैं यहां से आजादी देता हूं। आजादी मिली? अरे उन्होंने आजादी बोला है। आजादी बोले थे, मैं तो आदत से मजबूर होकर गिर गया था। सत्या, बुड्ढे से बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि तुम चेन्नई पहुंचकर 1 सेट खादी कुर्ता और 1 सेट खादी पैजामा खरीदोगे। तुम भी ना यार, बुड्ढे का मन था इसलिए जो हो सकता था एक हिसाब से तैयार करके दे दिया। मुझे जो भी दिल से सही लगा था वही 4 पॉइंट मैंने उनको बता दिया, बस इतना ही था। इसके बाद साइकिल चैन चैलेंज पैनर के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अभी तुम बोलना क्या चाहते हो? गांधी और मेरे बीच का फासला बहुत बड़ा है।
सायदा पेट में उतर के सायदे सत्या के बारे में किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगी तो बता देगा। इतना फेमस अगर मालूम नहीं तो कांस्टेबल कंडा स्वामी के बारे में भी पूछ। मीना तुम दोनों बातें करते रहो, मैं एसटीडी करके आती हूँ। अच्छा दोनों तुम दोनों बातें करते रहो, मैं वाटर बोतल पिकअप करता हूँ। वो तो खरीद चुके। परवाह नहीं, बिस्किट पैकेट लाता हूँ, जाते वक्त रास्ते में खरीद लेंगे। अरे कौवा बिरयानी खिला देंगे मेरे भाई, मैं नारियल की चटनी और डोसा लाता हूँ। बोलाना नहीं चाहिए। सत्या ट्यूबलाइट देखा हूँ लेकिन सोडियम पेपर अभी देख रहा हूँ, लेट से जलता क्या? हमारा क्या मतलब? फिर क्या वापस जा रहे ना? अकेले छोड़ूंगा तभी तो दोनों ऐसा करोगे? आजकल साइकिल के गैप में ऑटो घुसा देते हैं, तुम तो बस के गैप में कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर तुम क्यों पर आटा करने जा तो रहे? तो क्या लाऊं? एसटीडी मारो। अच्छा तुम उस रूट में जा रहे हो, पड़ जाएगी क्या? सब हो जाएगा। वो भी करेक्ट है। सिस्टर मैं जाकर एक एसटीडी को पार्सल करता हूँ। घर जा रहा हूँ, हम सेलफोन में बात कर सकते हैं? ए इतनी जल्दी बात कर दिया। ए ये क्या था? नहीं घर जा रहा हूँ, यादगार बना रहे इसलिए दिया। अरे इतनी जल्दी बिस्किट खरीद के लाए? आहा मदुराई की लड़की दिमाग वाली थी। दंग दंग। भाई ये भी उसने गिफ्ट दिया है क्या? ये गिफ्ट नहीं थेफ्ट है। थेफ्ट है? उसके गले से बिना उसके मालूम हुए मैंने मार लिया। अरे तुम्हारे गले का चेन कहाँ गया? वो सत्या के पास है। अबे साले किस मारे का सोचा था तूने, तो चेन ही मार दिया। मेरी याद के लिए उसने मेरी चेन मारी, मैंने भी देख कर अनदेखा कर दिया। एक अलग टाइप का लव तुम दोनों का है। नमस्ते साहब। आओ ऐसा ही, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ या नहीं, मेरे साथ वफादारी करने वाले तुम दोनों ही हो। ये बताओ क्या उदय मूर्ति को फॉलो किया था? कैसे छोड़ूंगा, वो क्या ढूंढ रहा है ये मैं पता करता हूँ सर। 5 महीने पहले जो एक्सीडेंट में लीलावती मरी थी उसी के बारे में जांच कर रहा है वो। उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और एक फाइल तैयार की है। ये लो सत्या। क्यों भैया जी, इस आदमी का फोटो मुझे क्यों दे रहे हैं? इसी की वजह से मैं मदुरई गया था। उसने वीवीआर के खिलाफ एक फाइल तैयार की है, पता करो उस फाइल में क्या है। उसे मेरे पास ले, वो अलग टाइप का आदमी है, ज्यादा नाटक करे तो उसे उठा ले आना, बाकी भैया जी समझ लेंगे। ये लो खर्चे के पैसे। ओके भैया जी, मैं फाइल के साथ आता हूँ। हेलो उदय मूर्ति सर बोल रहे हैं? मैं विपक्ष पार्टी के 137वीं शाखा का आमदार बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट के घोटाले के बारे में आपसे अकेले में बात करनी है, क्या आप आ सकते हैं? कहाँ आना है? सर सर सर। हेलो स्वामी। नमस्ते। क्यों स्वामी मुझे नहीं पहचाना? मैं ही हूँ 137वां शाखा का आमदार। रुकिए स्वामी, बिना काम खत्म हुए आप जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? बीच रोड पर जो आदमी दारू पी करके पड़ा हुआ हो उस आदमी से मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे आपसे ही कुछ काम है। वीबीआर से संबंधित फाइल आपके पास है, भैया जी उसको लाने के लिए बोले हैं, वो फाइल मुझे दे दीजिए। भाई ये आपके लिए जरूरी नहीं है, आप टांग मत अड़ाइए। अरे रे 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 रे, जिस चीज की मुझे जरूरत है उसे भैया जी ने दे दिया है, अब उनकी जरूरत को मुझे देना है, क्या आप मुझे फाइल देंगे? मिस्टर सत्या स्वामी, सैदी सत्या, कोर्ट में मेरा नाम आपने कितनी बार बोला था? देखो सत्या ये बड़ा मैटर है, बेकार में इसमें टांग अड़ाकर मत फंसो। क्या स्वामी बहुत बिल्डअप दे रहे हो, फाइल नहीं दोगे तो आपको उठा के ले जाऊंगा, भैया जी ने हाथ डाला तो मैटर कुछ और हो जाएगा, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। फाइल इसी बैग में है ना? सत्या लाओ, मैं ऐसा मत करो। सत्या सत्या मेरी बात हटो। सत्या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। सत्या सत्या मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। क्यों रे
मुझे यहाँ लेकर आया है? अरे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे जब तक मालूम है ये मील बहुत दिनों से बंद है। लॉज में गए तो पैसा लूट लेंगे, पुलिस भी परेशान करती है। तुझे मालूम है मैं यहाँ पे कितनी बार आइटम लेकर आया हूँ? वकील और समाज सेवक उदय मूर्ति की हत्या हो गई है, खूनी को पुलिस जाल बिछाकर ढूंढ रही है। नमस्ते सर जी। सत्या ऊपर सो रहा है? नहीं भैया जी, सुबह गया था, रात को भी नहीं आया। हाँ बोलिए भैया जी। ये सत्या कहाँ गया है कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उसे उदय मूर्ति के पास भेजा था, लगता है उसी ने विजय मूर्ति को टपका डाला। उसका फोन भी बंद आ रहा है, तुम ऐसा करो लड़कों को भेजकर पता करो कि वो कहाँ है। ए सत्या, तुम यहाँ कर बैठे हो? ए भैया जी को फोन लगाओ। भैया कल रात से ही पी रहे हैं भैया, बार बंद करने को नहीं दे रहे, कुछ भी समझा कर इन्हें लेकर जाइए भैया। ए भाग साले, याद बांध कर। बड़े खिलाड़ी हो तुम, उदय मूर्ति के पास काम से भेजा था, लगता है तुमने उसे टपका डाला। उसको मैंने नहीं मारा। किसको शेंडी लगा रहा है? पुलिस ने भी ऐलान कर दिया है उदय मूर्ति की हत्या को, पेपर में भी प्रिंट हो गया है। मैंने बोला ना, मैंने उसको नहीं मारा। है तू क्या बोल रहा है, वो खुद ही सलिया में गिरकर खुदकुशी कर लिया है। इसको देखो, मैंने नहीं मारा। तो तुमने समझ नहीं आया क्या? एक बार और बोलो तो। खत्म। अरे छोड़, छोड़। मत मैं तेरी तो भाई रहने दो, भाई रहने दो। मत जाए। ये क्या हो रहा है? बोलता मैंने उदय मूर्ति का खून किया। मैंने उसे नहीं मारा, वो फिसल कर मर गया। और ये साला बार बार बोल रहा है। अरे छोड़ो, अभी क्या तुमने खून नहीं किया, यही बोलना चाहता है। ए, सत्या कभी झूठ बोलता है? आज तक उसने ऐसा कुछ किया है? खून या बड़ा काम, ये वहां गया था, वो गिर गया और मर गया, समझते क्यों नहीं तुम लोग? सत्या, काम के बाद भैया जी को मिलना चाहिए था ना, क्यों इतना पीकर सेहत को बर्बाद कर रहे हो? पुलिस वाले से डर गया क्या? ये बड़े लेवल की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा। कुछ फाइल वाइल दिया क्या? कुछ भी नहीं था। हाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आदमी ही मर गया तो क्या डर, अब क्या चिंता। ये लो, ये पकड़ो, 10-12 दिन रेस्ट करो, जाओ ऐश करो। जाओ छोड़ गया, ठीक है भैया, शेड में छोड़ गया। अरे इन लोगों को छोड़ो, तुम जाओ। इस खून के केस के लिए इन्हें नया डाला है, क्या ये खूनी को ढूंढ निकालेंगे? अरे ये सिर्फ एसीपी ही नहीं है, ये उदय मूर्ति के सगे छोटे भाई भी हैं, इनकाउंटर विजय मूर्ति हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। अपने बड़े भाई को खूनी को खुद पकड़ूंगा, इसलिए ट्रांसफर लेकर यहाँ आए हैं। कुछ 10 सालों से सर ये जगह बंद पड़ी है, खून होते हुए किसी ने नहीं देखा सर। इस खून में एक या दो आदमी शामिल होंगे ऐसा मुझे शक है। यहीं पर बॉडी मिली थी सर, इसी सलिया से मारे गए हैं सर। सर आपके भाई उदय मूर्ति बड़े बड़े नेताओं से टक्कर लिए थे, सिर्फ वो ही नहीं हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत उनके दुश्मन थे। मुझे गलत मत समझिए सर, अगर आप खूनी को भी पकड़ लेते, कानून के आगे खड़ा करके सजा दिलाना बहुत मुश्किल होगा सर। मिस्टर रवि, ये खूनी चाहे तो कानून की नजर में धूल झोंक सकता है, लेकिन मेरी नजर को नहीं, मेरी बंदूक की एक एक गोली का हिसाब उसे देना होगा। उदय मूर्ति सिर्फ मेरे भाई ही नहीं थे, वो समाज को सुधारने वाले एक वीर सिपाही भी थे। ऐसे अच्छे आदमी को मारने वाला कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। कोई और क्लू मिला? कोई ठोस सबूत नहीं मिला सर, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर चुके सर, हमारे डिपार्टमेंट के कुत्तों को भी आधा किलोमीटर भगाया था सर, लेकिन पकड़ नहीं पाए। मीना,
कहाँ जा रही हो मीना? किसे मिलने जा रही हो मीना? मीना तुम कब वापस आओगी? मुझे मेरे बुआ का इन सब प्रश्नों का जवाब देते देते मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा तो तुम्हारा अगले हफ्ते एग्जाम है, फिर क्यों आई? बुआ के घर पे रह के थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सकती हूँ, इसी बहाने मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए मजे से रह सकती हूँ। ओहो ए, ये ओहो क्या है? कब से देख रही हूँ मैं तुम मुँह लटका कर चल रहे हो। अभी क्या करने को बोल रही हो? क्या करने को बोल रही हूँ? बीच पर घूमते हुए लवर से कोई ऐसे पूछता है तुमको? बाबा बाजार गई माँ, अकेले हूँ बीच माँ, तो आजा बाल माँ, तू आजा बाल माँ। भाई बच्ची के लिए बम्बई का मिठाई खरीद दो, तुरंत कूल हो जाएगी। वो सब नहीं चाहिए बुड्ढे। ए, मैंने आम खरीदे थे ना, अपना मिठाई खरीदो। ठीक है दे दो। लेकर आऊंगा गोरी बैंड बाजा सहनाई, मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू इसकी घरवाली। तन तन ना 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 ने ना ना ने। शहनाई मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। लेके आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। धक 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 चलने दे प्यार की अपनी गाड़ी, चल मेरे ही साथ गोरिये, छोड़िए दुनियादारी। चल दोनों प्यार भरा घर प्यार से सजाएंगे। लेके आऊंगा गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बन जाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। शादी की बताबती सोचना तो बिल्कुल नहीं कोई मुश्किल है, जो भी हो बस तुझको अब करना हासिल है। गोरी लेके आऊं, लेके आऊं, लेके आऊं का गोरी बैंड बाजा शहनाई, मैं बजाऊं दूल्हा तेरा, बन जा तू मेरी घरवाली। तेरा कुछ ऐसे चमके है, क्या करूं मैं होश मेरा आज मेरे बस में नहीं है। जितना बदन तेरा कुछ ऐसे चमके है, क्या करूं मैं होश मेरा आज मेरे बस में नहीं है। हाँ।
धक्का धक चलने दे प्यार की अपनी गाड़ी चल में देगी साथ गुड़िए छोड़िए दुनिया तारी चल मिलके दोनों प्यार भरा घर प्यार से सजाएंगे क्या वो लड़की तुमको बीच में ले जाकर तुम्हारे लिए आम खरीदी थी हाँ अरे बाप रे आजकल कुछ लोग आई लव यू बोलकर दूसरे क्षण में अपनी गर्लफ्रेंड को आम खिलाने की तैयारी कर लेते हैं और तू ऐसा करके आ गया उस दिन उसका चेन मारकर उसको पूरी तरह से लूटूंगा ऐसा बोला था अब क्या हो गया तुझे अच्छा वो क्यों बे उस एरिया में क्या ढूंढ रहा है चेन मैंने गले में ही डाला था अभी नहीं है अभी नहीं है उस दिन उसके गले से तुम चुराए थे आज तुम्हारे गले से उसने चुरा लिया झूठे के साथ झूठी चोर के साथ चोरनी जोड़ी सुपर है यार क्यों जगह नहीं है क्या गाड़ी को इधर घुमा कर लाया प्लेटफॉर्म के बिरयानी दुकानों से हफ्ता कम पड़ गया है अरे वो उदय मूर्ति के केस के सिलसिले में आया हूं। वो तो कब का मर गया है क्या मरकर भी केस डाल रहा है वो आदमी अरे नहीं भाई उन्होंने तो बहुत लोगों के ऊपर केस डाला है हाँ। ये हमारा शक है कि उनमें से कोई उसका खून कर दिया होगा इसलिए हम उन लोगों में से एक एक को बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं तुम और सत्या भी 10 तारीख को पुलिस स्टेशन आ जाना छी 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 ये उदय मूर्ति का टॉर्चर मुझसे सहन नहीं होता इसी आदमी को जैसे मैं 6 महीनों के लिए सस्पेंड होकर लोकल बार मैकेनिक सेट ये सभी जगहों पे घूमता फिरता हूँ और अब पुलिस की पूछताछ से मेरा दिमाग खराब हो रहा है सत्या तू फिकर मत कर तुमको कोई परेशानी होगी तो हम सब भाग जाएंगे ना नहीं भैया हम साथ देंगे अरे तो क्या मैं पीठ घुमाकर सो जाऊंगा मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूंगा एड़े अब सब सो जाओ छी भैया अबे क्या हुआ ये कैसे होगा अबे कई सालों से ऐसा ही है ये नाक का शेप तुम बदल नहीं सकते हो ये नहीं भैया पुलिस की पूछताछ कैसे होगी भैया 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 बात भी नहीं करने देते हैं यही है पुलिस की पूछताछ तब सीबीआई की पूछताछ अब सब लोग चैन से सो जाओ भगवान आपका भला करे भैया बल्ब को थोड़ा ऊपर की तरफ से पकड़ो अरे बाप रे तेरे जैसे आदमी के लिए बल्ब पकड़ने की नौबत आ गई है जब मैं हाथ दिखाता था तब बड़े बड़े कलेक्टर की गाड़ी भी सडन ब्रेक मारकर स्टॉप कर दिया करते थे ज्यादा बड़बड़ मत करो पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी ज्वाइन करने तक मैं आपका गुरु और आप मेरा चेला ऐसा क्या तुमको अभी गुरु दक्षिणा देने का मन कर रहा है तो दीजिए ना भैया देता हूं अबे चिल्ला मत शाउट मत कर अभी तो शर्ट में रखा था अगली बार अरे डाल दे तेजी से डालो डालो कुछ नहीं बे थोड़ा हल्का स्लिप हो गया था बस इतना ही हल्का स्लिप हो गया था हाँ रात में सो नहीं सका था अरे बाप रे इतना खून बह रहा है चलो 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 सत्या हम जितना भी डॉक्टर के पास चले जाएं अंत में यहीं पर आकर फाइनल टेस्ट से बॉडी सेट होता है अबे क्या भैया ओवर हो गया तो सो जाओ नहीं आपको ओवर हो गया डॉक्टर ने भी लिक्विड फूड खाने को बोला है तुम साला सो जाओ तुम सुखी रहने का क्या ए दाढ़ी मेरे को हां इधर आ इसको बॉडी ही बोल सकते हैं बैठो अबे मेरी तारीफ में कुछ बोल तारीफ करूं क्यों क्यों पूछता है लो अब बोलो अब 50 साल तुझे कोई नहीं मार सकता इसका मतलब 51 साल में तुम ही आदमी रहकर इसको मारोगे तो बैठ अब बोलो और 100 साल तक तुझे कोई बीमारी नहीं लग सकती बीच में चिकनगुनिया की बीमारी आ गई क्या पैसे वापस करोगे ये लो 500 अब बोलो भैया नाम क्या है तुम्हारा अभी इसके बाद ही रखना साईदे सत्या भविष्य के मुख्यमंत्री साईदे सत्या जिंदाबाद अरे
एक एक आदमी शाखा प्रमुख के लिए 1-2 करोड़ का बजट बनाकर ट्राई कर रहा है। तुमने तो सिर्फ 500 रुपए लेकर इसको सीएम की कुर्सी पे स्ट्रेट बैठा दिया। अरे सत्या, ऐसे आदमी चापलूसी करके देश में गंदगी फैलाते हैं, इसके मैटर में थोड़ा होशियार रहना। अभी बोल बे। सादा पेट सत्या जिंदाबाद। एक ही झटके में सीएम की कुर्सी से गली मिलाकर खड़ा कर दिया, 100 भी गया। अभी बोल बे। खुश रहो। 50 रुपए के लिए उतना ही बोलेगा, सब गया। अब बोल बे। अरे सडनली तुम एक्शन किंग जैकी चैन कैसे हो गया? अब अभी मैं तेरा चकना हूँ क्या? दारू पीने के वक्त मैं मिला था क्या तुझे? हाँ मेरी तारीफ कर। नहीं बोल सकता। बोला ना। नहीं बोल सकता। अरे अरे बोल बे। क्यों मार रहा है? मेरी तारीफ नहीं कर रहा। क्यों करेगा तेरी तारीफ? तुमने पैसे दिए इसलिए तारीफ किया, अब तुमने पैसे छीन लिए तो क्यों करेगा तारीफ? नहीं बोलेगा। हाँ नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। मुझे देख के एक ने बोला था, मरते समय मैं गॉड ब्लेस यू बोला रे। कौन पागल बोला था? किसी ने भी बोला हो, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, गूंज रही है, गूंज रही है, हर पल गूंज रही है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। हाथ में चोट लगी, हॉस्पिटल गया, यहाँ आया, दारू पिया, उसको मारा। अब मैं और पीऊंगा, काटूंगा, मारूंगा, और पीऊंगा। लगता है वो डॉक्टर एक डुप्लीकेट डॉक्टर था। हाँ। उसकी दी हुई दवाई और हमारा लिया हुआ माल दोनों मिक्स होकर इस पर रिएक्ट कर रहा है। वो कहीं नशे में रोड पे गिर जाएगा, हम उसको जल्दी से बचा लेंगे और उसको रूम पर लेकर चलते हैं। उसकी आवाज सुनाई दे रही है। कैसे भी करके हमने लोड को उतार दिया। जा सो जा बे। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे क्यों डर लग रहा है? कोई मरते समय कुछ बोला था और उसकी आवाज इसके कानों में गूंज रही है। ऐसे कुत्ते भौंकने की जगह पे भूत प्रेत नहीं आते। शांति से सो जावे। मैं भी बहुत डरा हुआ हूँ यार। भगवान आपका भला करे। ए, वो मरते समय ऐसा क्यों बोला था? मरने के बाद नहीं बोल सकता था, इसलिए मरते समय बोला था। अबे जा, तेरे बाजू में सोने से ही तो डिस्टर्ब करोगे, अब क्या करोगे? अंडरग्राउंड में जाता हूं। जा सर। बैठिए सर। थैंक यू। एक खून के केस का इम्पोर्टेंट एविडेंस ये चेन है। ये चेन किस दुकान से खरीदा गया है? अवश्य बता सकता हूँ सर। सभी गहनों में जिस दुकान में बेचा गया था उसका दुकान का सील होगा, उसको रख कर मालूम कर सकते हैं सर। इस चेन को मदुरे के बीमा ज्वेलर्स ने बेचा है सर। ऑर्डर दिए हुए का नाम है मीनाक्षी, डॉक्टर आप नारायण मूर्ति, DYSP। मीना सर्विस कमीशन एग्जाम लिखने के लिए चेन्नई गई है, आप कौन है? आपकी बेटी की फ्रेंड मैरी है ना, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। क्या मैरी वहाँ पर आई थी पूछने के? नहीं है भाई, ऐसा कोई नहीं आया यहाँ। ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, आप ही हैं मिस मीना? जी हाँ। आपने एग्जाम अच्छी तरह से लिखा ना, क्वेश्चन टफ थे ऐसा सुनने में? नहीं मुझे तो इजी लगा। सही बात है, ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए तो सभी एग्जाम इजी होता है। आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, फिर भी कैसे खून की जगह पर अपना चेन छोड़कर चली आई? सर आप
क्या पूछ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आप कौन हैं? मैं विजय मूर्ति, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वकील उदय मूर्ति के खून का केस मैं ही डील कर रहा हूँ। खून हुए जगह पर वहाँ पर ये चेन पड़ी मिली, क्या ये आपको? जी हाँ सर। ये खून हुए जगह पर कैसे पहुँची? नहीं मालूम सर, मैं मदुरई में थी तभी खो गई थी। आपने पुलिस को कम्प्लेन किया था? नहीं सर, चोरी होती तो कम्प्लेन करती, लेकिन ये कैसे मिस हो गई मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैंने कम्प्लेन नहीं की। ये चेन स्पॉट पे मिलने के एक ही कारण से मैं आपको अरेस्ट करके मैं अपनी कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकता हूँ। बट आप पढ़ाई करने वाली लड़की है, वो भी एक पुलिस वाले की बेटी, आपके फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। इस केस के सिलसिले में जब भी मैं आपको बुलाऊँ आप कोऑपरेट कीजिए, तब तक ये चेन मेरे पास ही रहेगी। ओके मेरी चेन कहाँ है? कौन सा चेन? मदुरई से आते वक्त तुमने मेरे गले से मारी थी वही चेन। ओहो वो वाला, वो तुम्हें नहीं मालूम चलेगा मैंने ऐसा सोचा। चेन कहाँ है बताओ? वो तुम्हारी निशानी सोच के मैंने रूम पे रखा है। झूठ मत बोलो, वकील उदय मूर्ति को तुमने ही मारा ना? खून हुए जगह पर मेरी चेन वहाँ पे मिली, एक पुलिस ऑफिसर मेरे से पूछताछ करके गया। मीना उदय मूर्ति का खून मैंने नहीं किया, वो फिसल के गिर के मर गए, ये तब हुआ जब मैं फाइल लेने। तुम सिर्फ एक मैकेनिक ही नहीं हो, फ्रॉड राउडी फॉर्जरी और खूनी भी हो, मुझे तुमसे संबंध रखने को भी शर्म। मीना मेरी बात तो सुनो। मीना भगवान आपका, भगवान आपका, सत्या सत्या बेटा सत्या। क्यों पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था तू? मैकेनिक सत्या का मतलब बहुत बड़ा वो है, जब तुम रोड पर गाड़ी चलाओ तो कोई और गाड़ी ना चलाए, हैं? थोड़ा सा मिस हो जाता तो मेरा सत्या। ए, मैं बोलता जा रहा हूं और तुम क्या? ए, सत्या। क्या हुआ बेटा? मुझसे गलती हो गई दादाजी, एक आदमी की मौत का कारण मैं बन गया हूं। और मरने वाला चुपचाप नहीं मरा, मरते समय भी मुझे आशीर्वाद दे गया, मुझे देखकर मैं गॉड ब्लेस यू बोलकर मरा। अगर वो मुझे गाली दे के मरता तो मैं चैन से रह सकता था, आशीर्वाद दे के मरने वाले को मैं भूल नहीं पा रहा हूं। मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं दादाजी, उसकी आवाज मेरा पीछा कर रही है। दादा पुलिस को फोन करके बुलाइए, जो हुआ बताकर सरेंडर हो जाता हूं, ये टॉर्चर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसके लिए मुझे मौत की भी सजा मिलेगी तो मुझे खुशी खुशी कबूल है। ठीक है, अगर पुलिस आती है तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी, जो खून तुमने नहीं किया उस खून की जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हें सुकून मिलेगा? क्या वो सुकून तुम्हें चैन से जीने देगा? तुम्हारा पीछा उदय मूर्ति नहीं कर रहा है, उसका लक्ष्य कर रहा है। वो तो मर चुका है लेकिन उसके दिल का लक्ष्य अभी मरा नहीं है, वही लक्ष्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसका लक्ष्य क्या है उसको ढूंढकर तुम उसको पूरा करो, तब परेशानी नहीं होगी, तुम भी चैन से रह सकते हो। अरे सत्या, कुछ एक्सीडेंट हुआ था ऐसा सुनने में आया, तू ठीक तो है ना? भैया जी आपने उदय मूर्ति से फाइल लाने को बोला था, वो क्या फाइल थी? नहीं, ये पूछने वाला तू कौन होता था? वो क्या फाइल थी मुझे मालूम होना चाहिए। वो सब ऊंचे लेवल की बात है, काम किया पैसे से मतलब रख और आगे बढ़ जाए, ये उंगली करना भैया जी को पसंद नहीं। अबे फाइल में क्या था मैं पूछ रहा हूँ। भैया जी को धमकी देता है तू? इस मोमेंट से
उदय मूर्ति का लक्ष्य सैदी सत्या का लक्ष्य है। और जिन लोगों को कटघरे में खड़े करने की सोच रहे थे, उन सभी को मैं सजा दिला के ही रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं। भैया जी, इसी ने उदय मूर्ति का खून किया था। हम इसकी खबर पुलिस को दे देते हैं। अगर वो अंदर जाएगा तो हम सबको अंदर जाना पड़ेगा। चुपके से हमारे आदमी को भेजकर उसे फॉलो करो। नमस्ते माजी। कौन हो तुम लोग? क्या मैडम जी, कांजी की हुई खाकी वर्दी, मुंह और पेट के साथ आकर खड़े हैं। हमें देखकर क्या मालूम नहीं होता कि हम कौन हैं? किस विषय के लिए आए हो? वकील साहब के खून के केस में कोई सुराग ढूंढने के लिए मैं स्वामी आया हूं। और पेरुमाल भी आया है। लेकिन पुलिस तो सब कुछ चेक करके चली गई है। अरे वो सादा पुलिस थे। हम दादा पुलिस हैं। मतलब स्पेशल पुलिस हैं। ये जो खड़े हैं सिर पर चंदन लगाकर, ये चेकिंग स्पेशलिस्ट जगन्नाथन हैं। मैं टीका के साथ उनका असिस्टेंट अटैक ऑल वॉर। वो मांसाहारी है, मैं शाकाहारी हूँ। मैं दोनों हूँ। विजय मूर्ति साहब ने चेक करने के लिए भेजा, चेक करूँ? माँ जी, क्या आज आपके घर में मछली का सालन है? हे भगवान, ब्राह्मण के घर में क्या पूछना है समझ में नहीं आता। इसका मतलब चूल्हे में कुछ जलने की बू आ रही है। आप अंदर जाकर क्या हो रहा है देखिए। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जा जा जा, आराम से आइए, नहीं तो नीचे जल जाएगा। हैं? सारे कागजात इधर हैं। कितना गंदा है। वो अपने आप को वीर शिवाजी समझते थे। इसको भंगार में बेचने से पैसा तो मिलेगा। क्यों रे सत्या, तुम फाइल ढूंढने आए हो या इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हो? पहले काम करो। ये सब बुको क्या उस आदमी ने पढ़ा होगा? ए, कुछ मिला क्या? चार शिपकली, तीन कॉकरोच मिले। हेलो, मिसेस उदय मूर्ति है। भाभी, मैं विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। क्या गायत्री स्कूल गई? हाँ चली गई है भाई साहब। आप डॉक्टर को दिखाने गई थी, क्या बोले वो? कुछ नहीं, दवाई दी है और खाने को कहा है। और तो कुछ नहीं? और कुछ नहीं। अरे हाँ भाई साहब, आपके भेजे हुए दो पुलिस वाले घर में चेक कर रहे हैं। मेरे भेजे हुए? हाँ वो यही बोल रहे थे। आप उनको फोन दीजिए जरा। देती हूँ भाई साहब। हाँ माँ जी, आपसे बात करना चाहते हैं। कौन? विजय मूर्ति सर, लाइन पर हैं। साहब आप बात करिए। तुम बात करो, वो बड़े अफसर हैं। मेरी तो लग गई। हेलो सर, मैं अटैक अलवर बोल रहा हूँ सर। कौन अलवर भाई? करेक्ट पहचाना आपने, विजय मूर्ति साहब बगुले हैं। अबे मेरे से होशियारी बता रहे? मैं इनकाउंटर विजय मूर्ति हूँ। मेरे हाथ फंसे बैंड बजा दूंगा। कौन है रे तुम दोनों? हमारी ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए साहब, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। ए, रास्कल, मुझे क्या एड़ा समझा क्या? फोन भाभी को दे। भाभी ने उस वक्त बोला फिल्टर कॉफी देती हूँ। हम ही बोले आप क्यों तकलीफ करती हैं। हमने उनको समझाया, आप लेकर आइए। हाँ। डांट रहे, प्लीज फास्ट। ए, गाड़ी घुमाओ और भैया के घर चलो। मैं भी आता। जल्दी नहीं है सर, काम को खत्म करके हम आपको बाद में फोन करते हैं सर, रखता हूँ। हमें खेद है कि तत्काल ये नंबर सेवा में नहीं है। सत्या, वो विजय मूर्ति पलट कर सीधा यहीं आ रहा है। तुमको जल्दी निकालना, जो निकाल हम स्केप हो जाते हैं। अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं लगा। अभी अगर हाथ लग गए ना तो हम सही सलामत घर नहीं पहुँच पाएंगे, समझा? वैसे भी वो टेंशन पार्टी है और मैंने फोन पर भी गला सलत बोल दिया था। विश्व रूप धारण करके आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? अभी तू क्या बजा रहा है? थोड़ी बजा रहा हूँ, डर से वही बज रहा है। ए, ये टू व्हीलर स्टैंड का दुकान है, पीछे VBR लिखा है। आगे से कौन आ रहा है क्या तुझे मालूम है? जल्दी चलो, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। चलो चलो जल्दी जल्दी, चल चलो। हाँ जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कॉफी ले लीजिए। कॉफी है माँ जी, वो TN 2359 गाड़ी उनकी गाड़ी है सर। अभी वो गाड़ी किधर है आपको मालूम है? नहीं पता सर, वो बार बार रिपेयर करनी पड़ती थी, आधा टाइम तो गैरेज में ही रहती थी। वो मरने से 10 दिन पहले से ही ऑटो से ही जाते थे। अभी वो गाड़ी के बारे में? चले, लेट हो रहा है, स्टेशन में भी काम है, कल आकर देख लेंगे। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए माँ जी। ये आपके हाथ इतना क्यों कांप रहे? लो शुगर है माँ। कॉफी में? नहीं, मेरी बॉडी में। थोड़ा भी लेट हो गया तो ऐसा हो जाता है। चलो रे चलो, लगता है आ जाएंगे। जल्दी बाइक स्टार्ट कर। चाबी तुम्हारे पास है, निकाल बे। हाँ मेरे पास है चाबी। अरे मेरे पास ही तो था। लगता है पेट। जल्दी निकाल बे। आ गया। क्या चाबी? चाबी नहीं बे, पुलिस जीप आ गई है। अरे बाप रे, इनकाउंटर विजय मूर्ति आ गया है।
अरे अरे अगर इसके हाथ लगे तो गोली मार देगा, सब तेरी वजह से हुआ। ए तू तो हाथ से स्टार्ट कर देता था, अरे पैर से तो स्टार्ट कर। अबे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ऐसे क्या, एक मिनट सत्या। क्यों बे, तू स्टार्ट करने वाला है? नहीं स्टॉप करने वाला हूं स्वामी। ए रोको 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 गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे रोको, क्या हो गया, नहीं चला देगा क्या रे? ए उतर गाड़ी से, कौन है तू, कौन है? ए गाड़ी देखकर समझ नहीं आता क्या? पुलिस। तू पुलिस बताएगा हम विश्वास कर लेंगे? अरे ऐसे ही बोलकर दो टपोरी आठ घरों में चोरी कर करके भाग गए हैं, उनको ढूंढने के लिए हम दोनों आए हैं। तुमको देखकर लगता है कि तुम बहुत बड़े दादा हो, नीचे उतर। देखो हम भी पुलिस ही हैं, उन्हीं चोरों को ढूंढते हुए हम यहाँ आए हैं। इसको इधर दे। सॉरी सर, सॉरी सर, शक करना ही एक पुलिस वाले का फर्ज है। अच्छा तुम कौन से स्टेशन से आ रहे हो? साईदापेट रेलवे स्टेशन, सीधा ड्यूटी पर ही आ गया हूँ सर। मैंने वो स्टेशन के बारे में नहीं पूछा। कोई भी स्टेशन हो सर, वो क्या इम्पोर्टेंट है, चोरी इम्पोर्टेंट है। आप उधर जाकर ढूंढिए, मैं इधर जाकर ढूंढता हूँ। जब फर्ज आता है तो बड़ा ऑफिसर छोटा ऑफिसर नहीं देखता हूँ सर। बाद में मैं आपसे माफी मांग लूंगा, चलता हूँ सर। अरे बाप रे, भाभी भाभी आइए। भाई साहब, कोई भी आकर बोलेगा कि हम पुलिस वाले हैं तो क्या घर में घुसा लोगी? इसका मतलब वो दोनों पुलिस नहीं थे? कोई फ्रॉड लोग थे जो पुलिस बताकर धोखा दिया आपको। हमारे गली के चार पांच घरों में चोरी हुई है। अच्छा जो लोग आए थे वो देखने में कैसे थे? दोनों के पेट बड़े बड़े थे, एक ने टीका लगाया था और दूसरे ने माथे पर चंदन लगाया था। बड़े अच्छे इंसानों जैसी बातें कर रहे थे वो लोग। अरे वो लोग कहाँ है? कौन सर? वो जो पुलिस वाले थे वो तो उसी वक्त चले गए। सर सर सर, टोकन सर, ये लो सर। गाड़ी रखकर एक महीने से ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा लगेगा सर। ये लो। ठीक है सर। मत आना, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। साले हम भी सबके लिए तैयार होकर आए हैं, जरूरत पड़े तो तुमको ही टपका डालने के लिए भैया जी ने बताया है। क्यों बे, उदय मूर्ति तुम्हारा मामा है या भांजा है? क्यों उसके लिए तुम अपना जान देना चाहते हो? चुपचाप हट जाओ। ए इसको ले जाए यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत करो। ए बोलता हूँ, छोड़ो। ए गाड़ी पे पेट्रोल ला। अबे मैं बोल रहा हूँ मत करो ऐसा। अरे छोड़ दे मुझे भाई, छोड़। अबे मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे, ऐसा मत कर, मत कर ऐसा। हेलो हेलो मैडम, एक मिनट, गाड़ी मत निकाल। ए मिस्टर, ये क्या है, मेरी गाड़ी को क्या कर रहा है? ए हाँ, अरे हट। सॉरी मैडम, गाड़ी आपकी है, फाइल मेरी है, चलता हूँ। लीलावती की मौत हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। माई माई, घर में कौन है? माई तुम कौन हो? चोरों की तरह घर में ऐसे कैसे घुस रही हो? मैं कोई भी नहीं हूँ माई, औरत हूँ। मेरा नाम लीलावती, कोविलपट्टी से आ रही हूँ। जितने पैसे थे कोयम्बेडु पहुँचने तक खत्म हो गए। सिल्वापट्टी तक तो मुझे जाना है, पता चला कि वो बहुत दूर है, इसलिए पैदल ही आ गई हूँ। एक जवान लड़की भूख के मारे रोड पर खड़ी होकर भीख मांगेगी तो थोड़ी ना अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे घर में घुसाई। तुम्हें मुझे मुफ्त में खिलाने की जरूरत नहीं है माई, थोड़े से खाने के लिए भी मैं मेहनत करने वाली औरत हूँ माई। तुम्हारे घर में झूठे बर्तन तो होंगे, मैं उसे धोकर मेरे पेट की भूख मिटा लेती हूँ। अरे ये तो इधर ही पड़े है। क्या माई, मैं कोई गड़बड़ करूंगी ऐसा ही सोच रही हूँ ना? तेरी सोच भी गलत नहीं हो सकती, देश भर में ऐसा ही होता है। माई आज भिंडी का सलाद बनाए क्या?
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ये ले रे, तुम गांव की लड़की हो लेकिन होशियार हो। मेरी माँ भी तीखा थोड़ा ज्यादा बनाती थी। नमस्ते कलेक्टर मैडम। नमस्ते कलेक्टर लीलावती, आइए यार। तुम इस घर में क्यों आई हो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन तुमको फॉलो करते हुए मैं क्यों आया हूँ ये बात आप समझ गई होंगी। कलेक्टर है, ये क्या हो रहा है, तुम कौन हो? माँ जी, आपको जो सवाल पूछना है वो बाद में पूछिए। लीलावती, अपने विषय पर बात करें। 50 करोड़ खर्चा करके बिल्डिंग बनाई है मैंने, अभी ये गवर्नमेंट की जगह है। तुरंत खाली करो नोटिस भेजने से अच्छा लगता है? मेरा पावर कितना है, पॉपुलरिटी कितनी अच्छी तरह से जानती है। मिस्टर वीबीआर, अभी आप मंत्री नहीं है, पूर्व मंत्री है, याद रखिए। क्या बड़ा मंत्री की पदवी है, देश की राजनीति के बारे में तुझे क्या मालूम? 1000 आदमी एक ही दिन में पार्टी ज्वाइन करने का सबूत ही काफी है। दूसरे ही दिन में मेरे घर के आगे एक बड़ा फोटो टंगा जाएगा, उसके बाद 4 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। तुम्हारे जैसे आदमी दुनिया को लूटकर फोटो छापने वाले टपोरी कब और कैसे पावर में आएंगे मुझे अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन राजनीति में कहीं भी घूम लो पब्लिक के पास ही आना पड़ेगा। उन जैसे बेचारों के पैर पकड़ने से ही तेरे जैसे सब जानने वाले ज्ञानी के पास पावर आता है। तुमसे पहले जनता के पास मैं जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ जंग लड़ूंगी, तब तुम्हारी हालत क्या होगी जरा सोचो तो। तुम्हारे जैसे राजनीति करने वाले से डरने वाले दिन जाकर जमाना हो गया। Look here, we have ample proof that this particular piece of land belongs to our government. It will be better if you surrender yourself, or else you will have to face the consequence. Looks like we'll end up meeting only in the court. Lilavati, will you kindly get out? Yes. क्यों जी? इतनी बड़ी कलेक्टर हो, मेरे घर आकर झूठे बर्तन धोकर बासी खाना खाया, क्यों किया जी ये सब? माई ऐसे ही 4 घर के झूठे बर्तन धोकर मेरी माँ ने मुझे पाला था। आज मेरी माँ की बरसी है, उन्हीं की याद में सिर्फ इसी दिन अनजान लोगों के घर में झूठे बर्तन धोकर एक वक्त का खाना खाने से मुझे खुशी होती है। मेहनत करके सूखे हुए मेरी माँ के हाथों के लिए मेरी तरफ से ये तोहफा है। क्या प्रिया को टकला कर दे? मम्मी, तिरुपति जाकर मेरा मुंडन नहीं करिए, फिर मैं चेन्नई नहीं जाऊंगी। बेटी यही मजाक कर रहे हैं, प्रॉमिस हमारा मुंडन नहीं करेंगे। मैडम, मैं उदय मूर्ति बोल रहा हूँ, आप ऑफिस में हैं ना? नहीं सर, मैं फैमिली के साथ अपने गांव जा रही हूँ, वहाँ पर एक फंक्शन है। मैंने जमीन के बारे में बताया था ना? आपने जो बोला था वो सही था, गवर्नमेंट की जमीन पर वीबीआर ने आश्रम बनाया है, मैंने उसको नोटिस भेज दिया। थैंक्स मैडम, हम जितनी भी खबर दे देंगे, लेकिन आप जैसे ईमानदार अधिकारी कड़क एक्शन लेंगे तभी न्याय मिलेगा। हेलो मैडम, क्या हुआ मैडम? हेलो, ये अभी भी सांस ले रही है। क्यों जी लीलावती, मुझसे पहले जनता के पास जा रही थी, वो महेश के पास जाओ ना। महेश ट्रेनिंग के दौरान तुझे सिर्फ हमारे देश की राजनीति के बारे में सिखाया होगा, मेरे जैसे कमीने राजनीति करने वालों के बारे में नहीं सिखाया होगा। अभी सीख। अगर तुम मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी मांगती थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे से पहले जनता के पास जाऊंगी बोली थी ना, तब मुझे झटका लगा। जनता को कभी सोचने नहीं देना चाहिए, इसलिए तो हम हर हफ्ते एक मीटिंग एक मोर्चा निकाल कर लोगों को सोमरस पिलाते हैं और बिरयानी खिलाते हैं। अगर जनता सोचने लग जाए तो मुझे रोड पर खड़ा होना पड़ेगा। इधर देखो, अगर राजनीति में कोई नया आता है तो दम देकर या घुसा मार कर काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे रीएंट्री करने वाले तपस्या करने के बाद ही किला बनाते हैं, इसलिए सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। ये सब जानकर तुम क्या करने वाली हो, लेकिन तुम तो मर रही हो। देखो जी, हमारे इस देश के लिए कितने ही लोगों ने कुर्बानी दी है, और उस लिस्ट में तुम भी शामिल हो जाओ, समझ गई? चित्रगुप्त जी, हिसाब में लिख लेना। अबे क्या देख रहा है, पेट्रोल लाकर डाल साले। उनकी मौत हादसा नहीं थी, उनका कत्ल किया गया था।
इसको साबित करने के लिए सबूत भी रखा हूँ। लीलावती और वीबीआर की बातों का सबूत इस सीडी में है। ये सब समाज के दुश्मन है, इन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए सजा। अभी तुम क्या करने वाले हो? ये तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को देकर भैया जी और वीबीआर को अरेस्ट कराना है। कौन से ऑफिसर को देने वाले हो? अगर किसी गलत ऑफिसर के हाथ में आ गया तो दूसरे ही क्षण वीवीआर को फोन लगाकर रेट बात करके फाइल बेचकर चला जाएगा। कौन सा ऑफिसर करेक्ट है और कौन सा करप्ट है मालूम नहीं पड़ता है कुछ। इसके लिए एक सही पुलिस ऑफिसर है यार। कौन है वो? विजय मूर्ति। एनकाउंटर विजय मूर्ति। मीना तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है ना? हाँ सर। कुछ भी बात हो तुमसे बिना छुपाए हुए क्या वो तुम्हें सब कुछ बताती थी? ये तुम्हारी फ्रेंड मीना का चेन है ना? हाँ सर, ये उसी का ही चेन है। इस चेन के खो जाने के बारे में क्या तुम्हारी फ्रेंड मीना ने तुमसे कुछ बताया था? खोया नहीं था सर, उसका लवर ले गया था। कौन है वो लवर? यहाँ गांधी आश्रम में रहता था, उसका नाम सायदे सत्या है। कोई सजा काटने के लिए वो यहाँ आया था। मेरे भैया ने जिन लोगों पर केस डाला था वो लिस्ट लैपटॉप में है ना? जी हाँ सर। यही है सर। उसको अरेस्ट करने के लिए जिन्हें इन्फॉर्म कर दें सर। उसको मैं अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। मेरे भैया के पाए हुए खून का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। उसके जिस्म में खून की आखिरी बूंद रहने तक मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगली फ्लाइट में ही मेरा चेन्नई का टिकट निकालो। नहीं सर, नहीं, हम नहीं जानते। कौन साला चोरी करता है? हम नहीं जानते सर। खाली में चोरी करता है? कहाँ है सत्या? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, काफी दिनों से मैकेनिक चेयर में नहीं आया है। भैया जी उसके बीच में कुछ हो गया था। मेहरबानी करके पढ़िए, सारा मामला यहीं से शुरू हुआ था। पढ़िए। इसी सबूत के लिए मैंने आपके भैया को धमकी दी थी, लेकिन उनकी मौत हो जाएगी सोचा भी नहीं था। उनके लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य बन गया है। मैंने ये सबूत सही आदमी को सौंप दिया है। इसके बाद भी आप मुझे मारना चाहेंगे तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। ये एनकाउंटर विजय मूर्ति अभी तक किसी से माफी नहीं मांगा है। सॉरी सत्या। बोलिए, मैं जज बोल रहा हूँ। सर मैं असिस्टेंट कमिश्नर विजय मूर्ति बोल रहा हूँ। पूर्व मंत्री वीवीआर के ऊपर एक खून का केस है, इमीडिएटली अरेस्ट वारंट लेना। अब आइए, मैं घर पे हूँ। जला दो इसे। ये
अबे मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। मुझे बताओ सत्य, आपका भला भगवान आप सत्य मुझे बताओ। मार दो से, अरे अरे सत्य मार दो से, सत्य मत छोड़ो से, सत्य सत्य मार दो से। हे क्यों बिना मारे उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? ए सत्या, अरे मैं तुमसे पूछे जा रहा हूं, क्यों छोड़ा तुमने उसको? सत्या आपके भैया के कारण है, आपके भैया के कारण है। मरते समय भी आशीर्वाद दे गए, हाँ वो उदय मूर्ति का कारण है। उनके मौत का प्रायश्चित करने के लिए ही सर मैं भाग रहा हूं। नहीं सर, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता। ए, कौन है वो? कलेक्टर लीलावती को जिंदा जलाने वाला हैवान है वो। अरे कानून भी उसको जरूर फांसी की सजा देगा। वो सारे सबूतों को जलाकर राख करके चला गया। अब उसे कोर्ट के कटघरे में क्या, कोर्ट के दरवाजे पर भी खड़ा नहीं कर सकूंगा मैं। छोड़ दिया उसे, छोड़ दिया रे उसे। मार पीट से कभी भी जीत नहीं हो सकती। सच्चाई को जीतने का एक ही रास्ता है, अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पर चलने से ही सच्चाई की जीत होती है। पूरी दुनिया के सभी हथियारों में से सर्वश्रेष्ठ हथियार है अहिंसा है। रास्ता है सर, सजा दिलाने का रास्ता है। कैसा? उस कलेक्टर की हत्या हुई है ना सर? हाँ। लीलावती का खून बीबी और भैया जी ने किया था, ये सच है ना सर? हाँ। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, सच है ना सर? हाँ भाई। इतने सच हमारे पास रहते हुए भी हम झुक क्यों रहे सर? सच्चाई के रास्ते पे जाकर सच्चाई की जीत करवाएंगे। वो कौन सा रास्ता है मुझे मालूम हो गया है। उसी रास्ते पे जाने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया। क्यों रे, तुम अहिंसा के रास्ते में लड़ाई लड़कर जीतने वाले हो? हाँ जी। तुम पागल हो गए हो क्या? गांधी को मारने वाले गोडसे के लिए भी दुआ मांगने वाले लोग आज भी इस देश में है। इस युग में आकर तुम सत्याग्रह करके क्या जीतने वाले हो? मैं युगों में विश्वास नहीं करता सर, सच्चाई में विश्वास करता हूँ। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी को जिताने वाली सच्चाई इस युग में भी हमें जीत दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, मैं ये आजमाना चाहता हूँ। ये देख, सच्चाई सच्चाई बोलकर तुम भूखे ही मरने वाले हो। गांधी मार्ग में एक अनाथ की मौत हो गई, ये खबर एक खबर बनकर ही रह जाएगी। तुम भूखे रहकर कुछ साबित नहीं कर सकते। इस महात्मा के भूख के आगे हार के अंग्रेज भी देश छोड़ के भाग गए सर। एक लक्ष्य के लिए दूसरे की जान लेने से बेहतर होगा अपनी ही जान त्यागना एक सच्ची लड़ाई है। इन्होंने साबित किया है, इनके रास्ते पे ही चलना अभी मुझे सही लगता है। मैं देखता हूँ तुम जान गवाते हो या साबित करते हो। पागल पागल है। जी अचानक यहाँ कैसे आए?
अगला महीना गांधी जी का जन्मदिन है। एडिटर साहब गांधी जी के बारे में लिखने को बोले हैं। गांधी मार्केट के लोग गांधी जी के बारे में क्या सोचते हो ये पूछने के लिए आया हूँ। अच्छा वो कौन है? बदन में पूरा खून और चोट है, क्या है, कोई प्रॉब्लम हुआ था? कौन है हमें नहीं मालूम। सुबह 4 बजे से दुकान खोलते समय से देख रहा हूँ, वो अकेले ही बैठा है। कौन से एरिया का है मालूम नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सर चाय लेंगे? सर क्या यहाँ मारामारी हुआ था? पुलिस कंप्लेन देना है सर। मैं एक रिपोर्टर हूँ, जो भी आप बिना डरे हुए बताइए। एक सच्चाई पर रोशनी डालनी है। कौन सी सच्चाई सर? 6 महीने पहले कलेक्टर लीलावती कार एक्सीडेंट में मरी थी। वो हादसा नहीं था, हत्या हुई थी। खून हुआ था? किसने खून किया सर? पूर्व मंत्री VBR ने। ये देखिए भैया जी, गांधी के मूर्ति के आगे पोज दे रहा है। मुझे अरेस्ट करने तक अनशन में रहेगा। ए, सबूत को जलाने से नहीं चलेगा, उसको भी जलाओ। पेपर तक आ गया है और तुम लोग चुप बैठे हो। अगर अभी आप मंत्री हो तो बंद कर, नहीं तो फोड़ डालूंगा। शंकर सर, कहाँ है हमारा पुलिस वाला? सुबह से कुछ बिना खाए बैठा हुआ है, कौन है आदमी? नहीं सर, सुबह से कुछ खाए पिए बिना अनशन में बैठा है सर। वो सब हम देख लेंगे, तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो यहाँ से। चलो क्यों रे, अनशन कर रहा है क्या? पुलिस से परमिशन लिया क्या? ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर बैठना मना है। और सिविल धक्के मार के बाहर निकालो इसे। ए, चलो उठो उठो, चलो चलो उठो, चलो चलो, ए, चल चल, ए, ए, समझ नहीं आ रहा देख। चलो चलो यहाँ से। चलो हटो हटो उधर से, चलो चलो इधर से हटो। ए हट, चलो चलो चलो। क्या रे साले, तेरी इतनी हिम्मत? ए इंस्पेक्टर, क्या रे, चुप बैठे हुए आदमी को तुम क्या डरपोक समझते हो? इस लड़के ने क्या किया है? गांधी के मार्ग पर चलेगा ऐसा सोचकर सुबह से अनशन कर रहा है और उसी को तुम मार रहे हो, अपनी वर्दी का रूप जान रहे हैं। उस दिन 2 रावड़ी आकर हफ्ता मांग रहे थे, पुलिस को फोन किया तो कोई नहीं आया। तुमको मामा ने बुलाया या भांजे ने बुलाया, किसने बुलाया? तुम उस लड़के को हाथ लगा कर तो देखो, सही सलामत घर नहीं जाओगे? हाँ, वर्दी पहनने से तुम अपने आप को गवर्नमेंट समझने लगे हो क्या? यहाँ पर क्या हो गया कि तुम केस करने को आ गए हो? चलो जाओ यहाँ से। यही कोई राजनीति करने वाला आदमी आता है तो तुम क्या उसे रोकने आते हो? अगर कोई शान से बैठा है तो तुम चले आए, तुम सब कब सुधरोगे? अगर तुम हथियार उठाकर लड़ते हो तो तुमको अकेले ही लड़ना होगा। अगर तुम हथियार लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कल लड़ेगी। अगर इसके बाद तुम इस लड़के पर हाथ उठाए तो अनर्थ हो जाएगा। नमस्ते सर, हम ग्लोबस टीवी से आ रहे हैं। शाम के अखबार में हम आपके बारे पढ़े थे, आप एक अलग लक्ष्य के लिए अनशन कर रहे हैं, वही आज हम एक छोटे से एपिसोड में बताने वाले हैं। सर यहाँ पर पूरी मीडिया है, इस वक्त हम उसे कुछ नहीं कर सकते। नया नया जोश में बैठा है, आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन में उठकर चला जाएगा। आप बोल रहे हैं लीलावती का खून VBR ने ही किया है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत मेरे पास था लेकिन उसे जला दिया गया। बिना सबूत के कैसे सर किसी को गुनहगार ठहरा सकते हैं? सबूत मेरे पास नहीं है, मैंने बोला था, लेकिन सबूत दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं बोला था। सच्चाई को हमें ही ढूंढना है,
सच्चाई कभी मरती नहीं, वो कहीं पे तो जिंदा होगी ही। उसे सरकार को ढूंढना चाहिए, यही मेरी विनती है। बोलता हूँ गलत मत समझिए सर, आप भी एक गुंडे थे, सभी बोलते हैं, बहुत बार जेल जाकर भी लौटे हैं, ऐसा बताते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है, ये हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? मैं राउडी था ये सच है सर। इसी गांधी जी के मूर्ति के उद्घाटन के समय काला झंडा दिखाने वालों को मार मार के भगाने वाला यही सदी सत्य है। एक रेलवे स्टेशन पे मोहनदास लाठी के मार खाने के बाद वो महात्मा गांधी बन गए। जिंदगी के चोट ने ही मेरा रास्ता बदल डाला। इस सत्य के जिंदगी में जो कुछ बीत रहा है वो सत्य की परीक्षा है। वीबीआर एक पूर्व मंत्री थे, राजनीति और सरकार में उनका अंदर से बहुत वट चलता है। एक अकेला आदमी क्या उनके खिलाफ जीत सकता है? वड़ा पलनी गांधी मार्केट में मैं अकेले ही अनशन कर रहा हूँ। ये खबर आपके टीवी स्टेशन में पहुँची तो आप यहाँ आए हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आप मुझे ढूंढते हुए नहीं आए, ऐसे ही ढूंढने वाले, मेरे बातों की सच्चाई पे विश्वास करने वाले। मेरा साथ देंगे ये विश्वास मुझे है सर। ऐसे कितने दिन अनशन पे बैठने का आपने निश्चय किया है? सत्य की जीत होने तक, इस सत्य के बदन में जान होने तक। विजय मूर्ति आप क्या बोल रहे हैं? वीबीआर एक पूर्व मंत्री हैं, भैया जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं। इतने बड़े वीआईपी को शक के बुनियाद पर पूछताछ करने के लिए कैसे ऑर्डर डाल सकते हैं? वो भी एक खून का मामला है सर। लीलावती के खून का सबूत मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था सर। सिर्फ सबूत ही नहीं विजय मूर्ति, खून होते हुए भी देखने के बाद हमारी गवाही कोर्ट में मंजूर नहीं होती है। सबूत लेकर आइए, मैं ऑर्डर इशू करता हूँ। नहीं सर, उस डेट में उस नाम का कोई भी आदमी नहीं रुका। आपके बताए हुए डेट में लारी किधर भी नहीं गई थी सर, हमारी शेक। मुझे गलत मत समझिए सर, आपके भाई बहुत मेहनत से ये सबूत ढूंढे थे सर। अभी सभी चौकन्ना हो गए सर, अभी हम ढूंढे भी तो सबूत नहीं मिलेगा सर। सारे सबूत मिटा दिए। वहाँ एक आदमी सच्चाई की जीत के लिए अनशन पर बैठा है, उसके बारे में सोचने से ही दुख होता है। वो जीतेगा सर। कैसे रे जीतेगा, हाथ में कोई सबूत नहीं है। भगवान है सर। नमस्ते छोटे भाई, मेरा नाम त्यागी नारायण मूर्ति है। 20 साल की उम्र में गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल हुआ था। इस देश की लड़ाई करने के लिए जवान लोगों को आगे आना चाहिए, ये बात सुनकर मेरे जैसे लाखों लोग उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए थे। उनकी बातों में जो सच्चाई थी वही हमें खींची थी। तुम्हारी बातों में भी वही सच्चाई है, इसे मैं विश्वास करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं भी अनशन में बैठता हूँ। फालतू राजनीति के लिए और प्रचार के लिए हम दुकान बंद करते हैं। हमारे एरिया पे आके सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहा है, इस आदमी का हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा? कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? बंद करो दुकान। लड़ाई के बहाने से कुछ लोग पेड़ काटते हैं, नहीं तो इंसान काटते हैं। ये तो अनशन में बैठा है ना, ये तो अच्छी बात है। क्या मैडम, पार्टी शुरू करने के लिए लड़ाई कर रहा है क्या? सच्चाई की जीत होनी चाहिए, भलाई होने दीजिए मैडम। रावड़ी जरूर था लेकिन उसकी लड़ाई सही है। जनता के लिए लड़ाई किया था कलेक्टर लीलावती ने, समाज के लिए लड़े थे वकील उदय मूर्ति। इन दोनों की हत्या कर दिए वो लोग, इसका खुलासा होना ही चाहिए। इस सत्या को हम सब मिलकर साथ देंगे। उस पवित्र देवी को अपने हाथों से खाना खिलाया था, उस भली औरत का खून करने का कैसे मन किया होगा? वो जालिम हैवान है, उन हैवानों को फांसी देना चाहिए। सत्या जो बोल रहा है वो सही है। सत्या,
सॉरी सत्या। क्यों जी, अनशन में जो बैठेगा वो क्या गांधी बन जाएगा? वो हमारे आदमी के लिए काम करता था, उनके बीच पैसों का मामला था इसलिए गुस्से में चला गया। उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है और आप इंटरव्यू लेने आ गए। देखिए, इस वीबीआर की राजनीति में ये सब होते रहता है। कोर्ट में देखूंगा उसे। सर, खून होने का कोई भी सबूत नहीं है। सच्चाई की जीत होनी चाहिए, ये क्या मुमकिन है? सच्चाई का मतलब क्या है? भगवान, सच्चाई ही भगवान है। अगर कोई सच्चाई के लिए लड़ रहा है, स्वयं भगवान आकर उसके लिए लड़ेंगे। भगवान के सृष्टि किए हुए संसार में क्या भगवान ही हार जाएंगे, आप ऐसा बोलते हैं? वो सत्या कौन है, क्यों अनशन में बैठा है? उसका कहना है कलेक्टर लावती का पूर्व मंत्री वीबीआर ने खून किया है, उसके साथ जनता भी लड़ाई कर रही है। आपने क्या एक्शन लिया है? पुलिस की छानबीन के बावजूद भी उनकी हत्या हुई थी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है सत्या को विपक्ष पार्टी वाले, वो एक साधारण मैकेनिक है, अकेले उसने लड़ाई शुरू किया था, अभी उसका साथ जनता भी दे रही है। एक अकेला आदमी को इतना सपोर्ट? बस जला देना, बिल्डिंग को तोड़ना, पेड़ काटना, दुकानें बंद करना, क्या ये मोर्चा है? देखिए हमारे सत्या को अनशन करके लड़ाई कर रहा है, वही है सच्ची लड़ाई। सत्या के अनशन के बारे में आपको क्या बोलना है? हम सब सत्या के साथ है मैडम। जाओ सालों, तुम सब सत्या के साथ जाकर मर जाओ। अनशन करेंगे, ये सब साथ दे रहे हैं, साथ पागल जनता। आप टेंशन मत लीजिए मालिक, हमने सारे सबूत मिटा दिए। सीबीआई भी आएगी तो कुछ सबूत नहीं मिलेंगे। ए, हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। मोर्चा के एक एक मिनट बीतने में मेरा इमेज डैमेज होता जाएगा, फिर राजनीति में कभी री एंट्री नहीं होगा, एक ही बार में एग्जिट हो जाऊंगा। अबे, वो तो ऑलरेडी राउडी था ना, तुम किसी को भेजकर उसे टपकवा दो। सच्चे आदमी को खूनी ने मार डाला है बोल कर केस पलट देंगे, भेजो सारा। ए, आप क्यों इतने शांत खड़े हैं, किसी एक को फोन तो करो। नहीं मालिक। क्या हुआ रे तुमको? अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ सत्या की वजह से, और मैं उसे ही जाकर। देखिए मालिक, वो गांधी और कामराज के रास्ते पर चलकर अनशन में बैठा है। उसने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, हम लोग तो उस महान नेता के जमाने में पैदा हुए हैं। क्यों मालिक, पैसों और कुर्सी का पागलपन कब तक करेंगे? मालिक, हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। भैया जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपके जैसे आदमियों को साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। भाई, उराव को फोन करो सालो। ओके सर, ओके। ए, चलो यहाँ से। ठीक है सर। ए, चलो यहाँ से, चलो। सत्या, नमस्ते। जब तक बदन में गर्मी था तो तलवार लेके घूमते थे, अभी ठंडा हो गया, अभी गांधी जी सही है बोल रहे हो। अरे अरे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में अंग्रेजों को फिल्म दिखाया था, तुम तो साउंड इफेक्ट के साथ दिखा रहे हो। देखा रे, टीवी में देखा। जान रहने तक अनशन में बैठेगा? क्यों रे इतना टाइम वेस्ट, अभी जान देते। मैं जान ले लेता हूँ। ऐ, अनशन में बैठने वाले सभी कायर नहीं होते, और तेरे जैसे तलवार उठाने वाले सभी वीर नहीं होते। अगर महात्मा गांधी चाहते तो आधे घंटे में इंडिया में रहने वाले सभी अंग्रेजों को जलाकर राख कर देते। उतना उनके पास पावर था, उतनी ही जनता उनके पीछे थी, लेकिन वे अंग्रेजों को भी हमारे जैसा इंसान समझते थे, इसीलिए वो आज भी महात्मा बनकर जिंदा है। अभी क्या बे, मैं कायर हूँ कि वीर हूँ तुझे मालूम करना है? बस इतना ही ना, तुम्हारे लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं पुराना सत्या बन जाता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे टपका डाल।
मैं चाहता तो तुझे ही नहीं, तुझे भेजने वाले को भी काट के साबित कर देता। ऐसा नहीं करना है इसलिए बैठा हूँ। ये कायरता है ऐसा गलत हिसाब मत करना। भाग! कोई अहमियत नहीं, सच्चाई की जीत होनी चाहिए, यही जरूरी है। वडापल्ली गांधी मार्केट में अनशन पर बैठे हुए सत्या की हत्या करने की कोशिश। छुपे हुए किसी शख्स ने उन पर गोली चलाई है। चिकित्सा को नकारते हुए सत्या की अनशन जारी है। का साथ देने वाले सभी तरफ हंगामा मचा रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मारकाट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकती। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं, उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मारकाट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मारकाट मत कीजिए, ये सब बंद कीजिए। न्यूज वाले तो तोड़फोड़ बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो सब क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया सर, ऑटोमेटिकली वो यहाँ से चले गए सर। तुम क्या बोल रहे हो? आंदोलन में ऐसा तोड़फोड़ मारकाट करना गलत है, ऐसा सत्या ने टीवी में बोला था, उसको देखते ही यहाँ से सब लोग चले गए। देखे सर, सत्या के साथ कितने लोग अनशन में बैठे थे, मारकाट कर रहे थे, उसकी एक ही बोली पर सब बंद हो गया। गांधी मूर्ति के सामने सत्य अकेला नहीं है सर, सच्चाई है, वो जरूर जीतेगा सर। तुम भी उसके जैसे पागल हो गए हो क्या? सच्चाई की जीत होगी, कैसे होगी जीत? सर, वीवीआर का पीए संक्रमण बात कर रहा हूं। मुझे कैद कर लीजिए सर। सर, लीलावती को मैंने ही जलाकर मारा था, मुझे कैद कर लीजिए। क्या सर, आप क्या देख रहे हैं? अभी तक मैं जानवर जैसा ही था, लेकिन अब इंसान बन गया हूं। मैं खुद से नहीं बदला, उस सत्या ने मुझे बदल दिया। सर,
भैया मुझे मत मारो भाई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मत मारो मत मारो, माफ कर दो मुझे, नहीं मुझे मत मारो, मैं बदल गया। हटो हटो, ये आदमी मरेगा तभी ये देश सुधरेगा। नहीं नहीं नहीं, मत जला मत जला मुझे, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत जला, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मार काट कभी भी परमानेंट जीत नहीं दिला सकते। कुछ लोग जो जानवर बन गए हैं उनको इंसान बनाने के लिए महात्मा के दिखा रास्ते पे इस लड़ाई में आगे बढ़ा था। कोई साथ देने के बहाने मार काट में उतर आए तो मेरी लड़ाई गलत हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मार काट मत कीजिए। सर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। सत्या तू जीत गया रे, सच्चाई की जीत हो गई, सत्या जीत गया, वीबीआर को गिरफ्तार कर लिया। वीबीआर ने पूरी सच्चाई बताकर सरेंडर कर दिया, तुम्हारी सच्चाई की वजह से ही उसका मन बदल गया। इस जमाने में भी हिंसा से जीत हो सकती है, तूने साबित कर दिया रे। ए सत्या, 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 तुम जीत गए रे, सत्या, सत्या, तुम जीत गए सत्या, उठो सत्या, सत्या, सत्या। सत्या तू जीत गया रे, गुनेगारों को उनकी सजा मिल गई, अहिंसा के रास्ते से भी तू जीत गया रे।